गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टार्ट करें? नहीं, खत्म करना है कि नहीं करना है? अब कल हमने केन्सियन थ्योरी पढ़े थे। केन्सियन ने क्या बोला था? मनी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। क्या बोला था उसने? क्यों पैसा होल्ड करते हैं हम? क्या मोटिव है हमारे? तीन, एक है ट्रांजैक्शन, एक है प्रिकॉशनरी और तीसरा स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव यानी कैश खाली रखते ताकि भविष्य में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाए तो हम उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, अभी केन्जियन के बाद भी कुछ लोगों का पेट नहीं भरा तो तीन अलग अलग लोगों ने और तीन थ्योरी दी। नॉट मच एट ऑल रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सब सिंपल है, तीनों थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन एक बार देख लेते तीन भी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, पहली थ्योरी इसमें थी इन्वेंटरी अप्रोच टू ट्रांजेक्शन बैलेंस, सेकेंड थ्योरी है फ्राइडमैन थ्योरी और लास्ट है डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टूवर्ड्स रिस्क। सिंपल है तीनों, 15-20 मिनट में तीनों थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम नए यूनिट पे शिफ्ट होंगे जो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, प्रैक्टिकल है पूरा, तो उसके पहले हम लोग ये थ्योरी कंप्लीट करते। ठीक है, ध्यान दो, मतलब एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब नोट्स में दिए तो पढ़ना, मतलब नोट्स यानी सिलेबस में है तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पहला इन्वेंटरी अप्रोच टू ट्रांजेक्शन बैलेंस। नाम से क्या समझ में आता? जैसे ही ट्रांजेक्शन बैलेंस बोला मतलब काई के लिए बोल रहा होगा, ये ट्रांजेक्शन मोटिव की बात कर रहा होगा। हमारे तीन मोटिव पढ़े थे, पहली थ्योरी में हमने सिर्फ ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ा था, सेकेंड थ्योरी में हमने प्रिकॉशन के बारे में पढ़ा था और थर्ड थ्योरी में ट्रांजेक्शन प्रिकॉशन एंड स्पेक्युलेटिव तीनों की बात करी थी उसने, बराबर है? वैसे ही ये जो आदमी है ना, बॉमल एंड टोबिन, इन लोगों ने थ्योरी दी, ये सिर्फ ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो इन्वेंटरी लिखा है ना दोस्तों, इन्वेंटरी अप्रोच, ये इन्वेंटरी यानी ये गुड्स की इन्वेंटरी नहीं है, रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी नहीं, ये पैसे की इन्वेंटरी है। यानी जो आपका मनी है उसको इन्वेंटरी बताया गया है यहाँ पे, जो मेरा कैश है उसको मैं इन्वेंटरी मान रहा हूँ। ठीक है, कैश आएगा भी कैश जाएगा भी। ठीक है, तो इनका कहना है 1950 में इन्होंने थ्योरी दी, डेवलप्ड अ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी नोन एज इन्वेंटरी थियोरेटिक अप्रोच। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं देखते हैं। एज पर दिस थ्योरी मनी और रियल कैश बैलेंस वॉज असेंशियली व्यूड एज इन्वेंटरी हेल्प फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। ट्रांजेक्शन के लिए जो पैसा लगता है, जो इन्वेंटरी लगती है, उसको हम कैश बोलते हैं। ट्रांजेक्शन के लिए कुछ लगता है कि नहीं लगता, उसको इन्वेंटरी माना गया है और उस कैश को हम इन्वेंटरी बोलते हैं और कैश की नीड को हम बोलते हैं फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, चलिए देखते हैं। लाइक बिजनेसेस, बिजनेस वालों को भी इन्वेंटरी लगती है। हाँ, लाइक बिजनेसेस हैंडलिंग इन्वेंटरी, पीपल इंडिविजुअल कीप मनी टू फैसिलिटेट देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी बिजनेस वालों से ट्रांजेक्शन जो करते हैं। ठीक है, देयर आर टू वेज फॉर स्टोरिंग वैल्यू, एग्जाम्पल मनी एंड इंटरेस्ट बेरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट बॉन्ड। ये कह रहा है पैसा रखने के दो तरीके हैं, या तो पैसे के फॉर्म में पैसा रखो यानी कैश के फॉर्म में, या फिर उस पैसे के बॉन्ड्स खरीद लो। कौन से बॉन्ड्स? इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड्स, कि मुझे इंटरेस्ट हो। दो रस्ते हैं, ऐसा ये कहते हैं। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ इनकम इनफ्लो से वाई टेक्स प्लेस वंस पर यूनिट ऑफ टाइम बट एक्सपेंडिचर आउटफ्लोज आर स्प्रेड एट अ कॉन्स्टेंट रेट ओवर एंटायर पीरियड ऑफ टाइम। सही बात है ये, मैंने कल आप लोगों को बोला था जो आपको सैलरी मिलती है वो एक तारीख को मिलती है, लेकिन जो खर्चे हैं आपके पूरे महीने बंधे हुए हैं, रोज सब्जी लाना है, रोज ब्रेड लाना है, रोज दूध लाना है, रोज इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आप कंजम्पशन करते हो, ये रोज बटा हुआ है आपका, थोड़ा 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 रोज खर्चा होता है। दोनों के बीच में लैग है, यस लैग है। सैलरी तो एक ही दिन मिलेंगी, रिसिप्ट एक ही दिन हो रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर रोज हो रहा है। ठीक है, सो एक्सेस कैश ओवर एंड अबव वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर विल बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टेड इन इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी। अब जितनी कैश की जरूरत है उतनी होल्ड करके रखो ट्रांजेक्शन के लिए, बची कैश का क्या करो, बॉन्ड्स में डाल दो ताकि आप इंटरेस्ट कमा सको। अब नया क्या बोल दिया इसने, कुछ नया बोला क्या? ये तो हमको भी समझता सर, तो सब ये आदमी ने थ्योरी दी थी 1950 में, लोगों को नहीं समझता था इसीलिए उसने थ्योरी दी। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड फॉर मनी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तीन फैक्टर्स लिखे हैं जो आपकी डिमांड मनी बताएंगे, इनकम लेवल, अदर एसेट, ट्रांसफर कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। पहले बताओ इनकम लेवल मतलब क्या, किसकी इनकम? हमारी, कस्टमर की। तो कल आपको एक चीज़ बताया था, जितनी ज़्यादा इनकम रहेंगी ऑब्वियसली उतने ज़्यादा खर्चे रहेंगे और उतनी ज़्यादा ही नीड फॉर होल्डिंग कैश रहेंगी, हाँ कि ना? बस वही लिखा हुआ है। लाइक बिजनेस इन्वेंटरी, हायर द इनकम
हायर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड हायर इज द एवरेज लेवल या इन्वेंटरी फॉर मनी होल्डिंग, उतनी ज्यादा पैसे रखने की जरूरत, ठीक है। अदर एसेट क्या होते भैया? अभी बोला था ना, पैसे के अलावा और किस चीज में पैसा रखेगा वो? बॉन्ड्स के अंदर। तो बॉन्ड्स में क्यों पैसा डालेगा? रिटर्न कमाने के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए, बराबर है। लेकिन आपको पता है बॉन्ड्स खरीदना और बॉन्ड्स बेचने में कुछ कॉस्ट लगती है, जिसको ट्रांसफर कॉस्ट बोलते हैं। ब्रोकरेज देनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है। जैसे हम शेयर्स खरीदते तो भी ब्रोकरेज देनी पड़ती है, बॉन्ड्स खरीदते तो भी ब्रोकरेज देनी पड़ती है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदते तो एंट्री लोड एग्जिट लोड नाम की एक चीज रहती है, ये खर्चा लगता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर कॉस्ट। और एक कैरिंग कॉस्ट भी रहती है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, कहीं तो भी आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा। वैसे ही कैरिंग कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स भी रहती है। क्या रहती है वो कैरिंग कॉस्ट? बॉन्ड्स रखने की कॉस्ट। अलमारी में रखते हो कॉस्ट लगती क्या? नहीं, आप बॉन्ड्स रख रहे हो, सॉरी, कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैश रहती है। कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैश, वो अगली थ्योरी में आएगा, मैं मिक्स कर रहा हूँ, सॉरी। कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैश कैश रहती है। कैश की कैरिंग कॉस्ट क्या रहती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैश होल्ड किया, कैश अगर आपने होल्ड किया मतलब आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं किया। अगर आप कैश ना होल्ड करते, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते, तो आपको कुछ रिटर्न मिलता कि नहीं मिलता? उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैश बोलते हैं, वो अगली थ्योरी में, ठीक है। पहले ये समझ में आया, अदर एसेट कौन से होंगे हमारे? बॉन्ड्स। तो एवरेज ट्रांजेक्शन बैलेंस मनी होल्डिंग इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स द ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड बॉन्ड्स टेक्स प्लेस। पैसे से बॉन्ड्स खरीदा या बॉन्ड से वापस पैसे बनाया, ये कितने बार ट्रांजेक्शन होगा। तो जितने ज्यादा बार ट्रांजेक्शन होगा उतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेंगी कि नहीं लगेंगी? भाई खरीदने में भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है, बेचने में भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है, यस और नो? हायर द नंबर ऑफ ट्रांसफर, लेसर विल बी द एवरेज ट्रांजेक्शन बैलेंस होल्डिंग। क्या सही बात है ये? जितने ज्यादा आप ट्रांसफर कर रहे हो मतलब आप उतना ही कम कैश होल्ड कर रहे हो। बार बार ट्रांसफर करते, जरूरत पड़ी तो फिर बॉन्ड बेचते, फिर खाली पैसा आ जाता, बार बार बॉन्ड खरीदते फिर बेचते, यस और नो? चॉइस ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर इज मेड डिटरमाइंस द स्प्लिट बिटवीन मनी एंड बॉन्ड होल्डिंग। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांसफर आप कर रहे हो मतलब आपकी चॉइस है कि आपको बॉन्ड कितना रखना और पैसे कितने रखना, ये आपके ऊपर है। अब एक चीज और इसके अंदर लगती है जिसको हम ट्रांसफर कॉस्ट या ट्रांजेक्शन कॉस्ट बोलते हैं। दिस रेफर्स टू द फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांसफर, ब्रोकरेज, बैंक चार्जेस एक्सेट्रा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो ये जो ट्रांसफर्स है ये बढ़ेंगे कि कम होंगे? सीधी बात है, बार बार ट्रांजेक्शन कॉस्ट कौन बेयर करेगा, यस और नो? एन इंक्रीज इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट रेजेस द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बॉन्ड ट्रांजेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली लोअर्स द नंबर ऑफ सच ट्रांजेक्शन। सो इट रेजेस द ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी एंड लोअर्स द एवरेज बॉन्ड होल्डिंग ओवर द पीरियड। समझ आई ये बात? अब अगली थ्योरी, हाँ, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। कैश रखने की कुछ कैरिंग कॉस्ट रहती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है? हाँ रहती है। पीपल होल्ड कैश विच इन्वॉल्व्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट लॉस्ट। अगर 1,00,000 रुपए मैं मेरे घर में रख रहा हूँ एक साल तक तो 1,00,000 के 1,00,000 ही रहेंगे, लेकिन अगर मैं अपने घर में ना रख के कहीं और इन्वेस्ट कर देता तो शायद मुझे 1,10,000 रुपए मिलते। यानी जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मैं कमा सकता था कैश ना रख के, वो हो गई कैश की कैरिंग कॉस्ट। कैश रखने के कारण मेरा नुकसान हो गया, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टर्म से आप लोग फैमिलियर हो, है ना? सो एन होल्डिंग ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड कैश बैलेंस दैट इज अमाउंट दैट मिनिमाइज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट फोरगोन बाय होल्डिंग मनी नॉट बॉन्ड्स, ठीक है? समझ आई ये थ्योरी? अभी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। किसका? कैश भी रखनी चाहिए और बॉन्ड्स भी रखनी चाहिए, ताकि उसकी कैरिंग कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम हो जाए, और कैश भी रहे ताकि उसको जब जरूरत पड़े ट्रांजेक्शन के लिए वो अपना काम कर सके। एन इंडिविजुअल वी चूज द नंबर ऑफ ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड बॉन्ड्स सो एज टू मैक्सिमाइज द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बॉन्ड्स एंड मिनिमाइज द ओवरऑल ट्रांजेक्शन कॉस्ट दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? अब इसके बाद एक फ्राइडमैन नाम का आदमी आया, मिल्टन फ्राइडमैन। 6 साल बाद इसको भी कुछ चढ़ा कि भैया नहीं मैं भी थ्योरी देता हूँ एक, वो इसने भी एक थ्योरी दी, सिंपल थ्योरी है इसकी भी, थोड़ा प्राइस लेवल से कंपेयर कर दिया इसने। प्राइस लेवल मतलब आपने रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी पढ़ा था, रियल यानी फिक्स प्राइस लेवल और नॉमिनल यानी करंट प्राइस लेवल, तो इसने थोड़ा वो सब डालने की कोशिश की। चलो देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहले परमानेंट इनकम का कंसेप्ट बताता है ये थ्योरी, परमानेंट इनकम की कुछ बात करती है। परमानेंट इनकम होता क्या है?
आप रिटायर हो गए, फॉर एग्जाम्पल 60 साल हो गए, रिटायर हो गए तो पेंशन आती है, ये क्या है? परमानेंट इनकम वो हर साल हर महीने आपको आती जाएंगी, लेकिन ये क्यों आ रही, क्यों आती है? आपने गवर्नमेंट को सर्विस दी, कुछ साल तक काम किया, इसीलिए आ रही है। मान लो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी हो, बिजनेस आपका है, तो क्या आपको पेंशन नहीं आ सकती? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक हर महीने हर साल कुछ ना कुछ पेंशन प्लान्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको फ्यूचर में कुछ परमानेंट इनकम चाहिए तो आज कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सर कितना करना पड़ेगा? तो जितनी आपको इनकम चाहिए उतना करना पड़ेगा। कैपिटल बजटिंग में वो डिस्काउंटिंग रेट नाम की कोई चीज पढ़ाई होगी सर ने आपको, इसको कितने से डिस्काउंट करना, डिस्काउंट कितने से करते, जो रेट ऑफ रिटर्न रहता है उससे डिस्काउंटिंग करते हैं हम, ठीक है? बस उसी टाइप का कुछ तो भी यहाँ पे है। अब कुछ तो भी क्या है हम देखते हैं, ठीक है? चिंता बहुत आसान है वैसे। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मिल्टन फ्राइडमैन ने क्या किया, केन्स थ्योरी को एक्सटेंड किया। इसका थ्योरी का नाम है एसेट प्राइस थ्योरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है? डिमांड फॉर मनी इज सिमिलर टू डिमांड फॉर कैपिटल एसेट, ऐसा ये थ्योरी का कहना है। क्या कहना है? डिमांड फॉर मनी इज सिमिलर टू डिमांड फॉर कैपिटल एसेट। अब ये कैपिटल एसेट क्या होता है भैया, यहाँ पे क्या होता है कैपिटल एसेट? फिक्स मशीनरी प्लांट ये नहीं होता है यहाँ पे। इसने कैपिटल एसेट के बारे में भी कुछ बोला है, ठीक है? देखते हैं हम। सबसे पहले देखो कंसेप्ट, डिमांड फॉर मनी इज अफेक्टेड बाय द सेम फैक्टर्स एज डिमांड फॉर एनी अदर कैपिटल एसेट, नेमली परमानेंट इनकम, सेकेंड रिलेटिव रिटर्न ऑन एसेट। मतलब क्या, चलो देखते हैं। परमानेंट इनकम के ब्रैकेट में कुछ लिखा है, केन्सियन थियरी फोकसेस ऑन करंट इनकम, वेरस फ्राइडमैन थियरी फोकसेस ऑन परमानेंट इनकम एज फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर मनी। परमानेंट इनकम यानी क्या हुआ, आपका वही पेंशन जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आपको फ्यूचर में पेंशन चाहिए तो आपको आज ही क्या करना पड़ेगा, पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको परमानेंट इनकम उस समय ज्यादा चाहिए तो आज आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी आज आपकी डिमांड फॉर मनी ज्यादा है कि कम है? और अगर आपको उस समय परमानेंट इनकम कम चाहिए तो आज आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स डिमांड फॉर मनी आज कम है। तो रिलेटेड है कि नहीं है, आप ही सोचो। आप 30 साल के हो, आप CA बन जाते हो 25 साल में, और आप बोल रहे नहीं मैं 60 साल तक काम करूंगा, उसके बाद मुझे पेंशन चाहिए, परमानेंट इनकम चाहिए। तो आप आज ही से पेंशन प्लान ले लोगे, कोई भी बैंक है, HDFC बैंक के चलो पेंशन प्लान लेते हैं। तो आप बोलते नहीं मुझे तो ₹1,00,000 पर मंथ चाहिए उस समय, तो वो उस हिसाब से बताएंगा, जो भी इंटरेस्ट रेट मार्केट में प्रेवलेंट है वो हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको बताएंगा, इतना इतना आप हर महीने भरते जाओ या हर साल भरते जाओ, तो हम आपको 60 साल के बाद इतने इतने जब तक आप जिंदा हो तब तक देंगे। हाँ कि ना, यही रहते हैं पेंशन प्लान्स। मतलब उस समय जो आपको परमानेंट इनकम चाहिए। अच्छा, ये जो आप प्लान ले रहे हो ये आपका एसेट है कि नहीं है? कभी ना कभी ये कैपिटलाइज करोगे ना, इसको एक्सपेंडिचर थोड़ी मानोगे आप, ये तो आपका एसेट है जो क्रिएट हो रहा है, फ्यूचर में आपको इनकम आने वाली है। इस एसेट को नाम दिया गया कैपिटल एसेट इसने, और उसके बाद ये बोला कि भैया जो परमानेंट इनकम आपको बाद में चाहिए उसके हिसाब से आपकी आज की डिमांड फॉर मनी है। तो सही बात है, अगर आपको परमानेंट इनकम ज़्यादा चाहिए तो आज ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आज की डिमांड ज़्यादा रहेंगी कि नहीं रहेंगी, और अगर कम इन्वेस्ट करोगे तो आज की डिमांड कम रहेंगी। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, आगे और कुछ बोल रहा है। सेकेंड रिलेटिव रिटर्न ऑन एसेट, अब वो कितना रिटर्न दे रहे ये भी तो महत्व रखता है ना, कितने रेट से डिस्काउंट करना चाह रहा है वो, ये भी डिपेंड करता है। अगर इंटरेस्ट रेट 12% है समझ लीजिए तो आपको कम पेंशन देना पड़ेगा, कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट 8% है तो थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, येस और नो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, अब डिटेल के अंदर दिया है ये परमानेंट इनकम क्या होता है, प्राइस लेवल क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इन्फ्लेशन, ये तीनों चीज़ तो सिंपल है, परमानेंट इनकम क्या होता है ये बड़े काम की चीज़ है। चलो एक बार देखते हैं। परमानेंट इनकम इज द प्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनकम। सुना होगा प्रेजेंट वैल्यू निकालना, किसी फ्यूचर में आने वाले रिटर्न्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फ्यूचर में आने वाले कैपिटल, प्रेजेंट में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उससे फ्यूचर में हमको कुछ रिटर्न आते हैं, फिर हम उसके फ्यूचर में जो रिटर्न आने वाले रहते हैं 2 साल 3 साल 4 साल बाद उसके हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, बस वैसा ही यहाँ पे करना है। इट इज द प्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनकम। तो मनी की डिमांड कितनी हो गई मेरी, एक फॉर्मूला है परमानेंट इनकम डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। चलो कैसे
कैसे सर ये टोटल वेल्थ इज इक्वल टू परमानेंट इनकम बाय डिस्काउंट रेट, कैसे आया? डिस्काउंट रेट क्या हो गया? जितना बैंक रिटर्न देना चाह रही है वो डिस्काउंट रेट हो गया। आपको 10,000 रुपये पर मंथ की परमानेंट इनकम चाहिए, या पर ईयर की 10,000 रुपये, जो भी ईयर पकड़ते हैं, 10,000 रुपये पर एनम आपको परमानेंट इनकम चाहिए, तो कैसे करोगे? परमानेंट इनकम 10,000 डिवाइड बाय 10%, आंसर कितना आएगा? 1,00,000। यानी आपको आज 1,00,000 रुपये आपको पैसे की जरूरत पड़ जाएंगी, इतने डालोगे तब जाके 10,000 रुपये मिलेंगे, बराबर है? कितने साल बाद वो बात की बात है, ठीक है? ये अच्छा, अगर ये रिटर्न बढ़ जाता है 10 के बदले 12 होता है, तो ये डिमांड फॉर मनी का क्या होगा? बढ़ेंगी कि कम हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। पहले वो 10% रिटर्न दे रहा था तो आपको 1,00,000 डालना पड़ रहा था, अब वो रिटर्न ज्यादा दे रहा है तो थोड़ा सा कम डालना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कम डालना पड़ेगा। आपको 10 नहीं 20,000 चाहिए और ये 10 ही% है, तो क्या हो जाएगा ये डिमांड फॉर मनी? 2,00,000 रुपये हो जाएंगे। आई क्या बात समझ में? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम्स, उसको आपके बोलते हैं परमानेंट इनकम, ठीक है? अब डिस्काउंट रेट क्या रहता है? जो भी मार्केट में चल रहा है वो, अब जो भी वो डिसाइड कर ले आप और वो मिलके। जनरली ये रेट ऑफ रिटर्न रहता है मनी, बॉन्ड, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का एवरेज वगैरह कुछ निकाल के वो लोग रिटर्न देते हैं, ठीक है? अब प्राइस लेवल क्या होता दोस्तों? इन्फ्लेशन अगेन। बिना प्राइस लेवल का, प्राइस लेवल का अगर तड़का लगा दिया तो उसको नॉमिनल बोलते कि रियल बोलते? नॉमिनल बोलते। बिना प्राइस, करंट प्राइस लेवल का, सॉरी, करंट प्राइस लेवल का तड़का लगाया तो उसको नॉमिनल बोलते हैं, और अगर प्राइस लेवल का तड़का नहीं, फिक्स प्राइस लेवल में चल रहा है, तो उसको रियल बोलते हैं। तो यहां हम कौन सा पढ़ेंगे फिर बताओ? नॉमिनल, ऑब्वियसली प्राइस लेवल की बात कर रहा है तो नॉमिनल। नॉमिनल डिमांड फॉर मनी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्राइस लेवल, सही बात है? पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्राइस लेवल मतलब जितना प्राइस लेवल बढ़ेगा, जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उतनी पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पहले आप 1 लीटर पेट्रोल भराते थे तो 70 रुपये में आता था, फॉर एग्जाम्पल। अभी आपको वही 1 लीटर भराना है और पेट्रोल का रेट 80 रुपये है, तो डिमांड फॉर मनी जेब में ज़्यादा लगेंगे कि नहीं? हाँ सर, 10 रुपये ज़्यादा लगना पड़ेगा। अच्छा, कल वो इन्वर्स और उसकी बात कर रही थी ना, आप लोग सही थे, ठीक है? जो आप लोग बोल रहे सही थे। अगर डायरेक्टली रिलेटेड, जैसे प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिमांड, तो पी ऐसा लिखा तो डायरेक्टली रिलेटेड, ऐसा लिखा तो इन्वर्सली रिलेटेड, और अगर ऐसा चाहिए तो इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। आप लोग जो बोल रहे थे सही था। हाँ वही, ओके इनटू, वो भी कर सकते, वो भी मजा देख लिया मैंने, ठीक है? चलो अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे चलते। यानी मैं तीन क्लास में मैंने गलत पढ़ाया, मैं गलत यानी ये चीज कंसेप्ट बता, किसी ने मेरे को टोका नहीं, या किसी को मालूम नहीं होगा, वॉट एवर। जो नहीं, तो टोकने में बच्चे बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। सर की गलती रही तो पहले बताते, सर ये गलत लिखा है आप, ठीक है? नहीं अच्छा है, गुड। आगे चलें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? बॉन्ड ना होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैश होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट फॉरगोन। नॉमिनल डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, मनी होल्डिंग्स। इफ द रिटर्न ऑन बॉन्ड एंड स्टॉक डिक्लाइंस, नॉमिनल डिमांड फॉर मनी राइजेस, सही बात है? अगर बॉन्ड्स पर रिटर्न कम हो जाएगा, प्लीज, अगर बॉन्ड्स पर रिटर्न कम हो जाएगा तो आप लोग पैसा होल्ड करना प्रेफर करोगे कि बॉन्ड्स होल्ड करना प्रेफर करोगे? पैसा होल्ड करना प्रेफर करेंगे, तो इसका मतलब बॉन्ड्स का रिटर्न अगर कम होता है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ती है, नॉमिनल डिमांड, और बॉन्ड्स का रिटर्न अगर बढ़ता है तो नॉमिनल डिमांड फॉर मनी कम होती है। आप क्या करोगे? बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। ओ, इन्फ्लेशन क्या होता है ये तो मालूम है? अरे इन्फ्लेशन महंगाई, महंगाई बढ़ेगी तो डिमांड फॉर मनी क्या होगी, और महंगाई कम होगी तो जितनी ज्यादा महंगाई उतने पैसे ज्यादा रखने पड़ेंगे कि नहीं? तो डायरेक्टली रिलेटेड है कि इन्वर्सली? डायरेक्टली, ठीक है? क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? हाँ, प्राइस लेवल इन्फ्लेशन होता है और इन्फ्लेशन भी इन्फ्लेशन होता है, सही है ना? ठीक है ना? तो यहां दो चीज सीखी है, देखो, पॉजिटिव इन्फ्लेशन और एक नेगेटिव इन्फ्लेशन। पॉजिटिव इन्फ्लेशन रेट रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ मनी बैलेंस, सही बात है ये? पॉजिटिव इन्फ्लेशन मतलब ऊपर जाना, बढ़ना, पॉजिटिव रेट से बढ़ रहा है तो पैसे की कीमत कम करता है कि नहीं करता है?
भाई पहले 100 रुपए में कुछ मिलता था, अब इन्फ्लेशन हो गया तो 100 रुपए की कीमत कम हुई कि नहीं हुई, बस वही बात कह रहा है ये। प्राइस लेवल इन्फ्लेशन एक ही चीज होता है, जनरल लेवल ऑफ प्राइस इंडेक्स को इन्फ्लेशन बोलते हैं, सिंपल सी बात ये है। दो बार लिख दिया, क्या हो गया उसके अंदर? तीसरा, समझा कि नहीं ये फ्राइडमैन? तीसरा एक और, अब ये टोबिन का पेट नहीं भरा, ये इसने क्या किया था, ये बोमल एंड टोबिन ने यहां पे तो थेरी दी थी लेकिन इसका टोबिन का पेट नहीं भरा, फिर इसने क्या किया, अलग जाके और कुछ तो भी किया, नहीं बोले तेरे साथ नहीं करूंगा, अलग कुछ तो भी करूंगा, लेकिन कुछ नया नहीं बोला, सीधी सीधी बात की है, एकदम सिंपल है। ये कहता है इंडिविजुअल का बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क के ऊपर आपकी डिमांड फॉर मनी रहेंगी, यानी ये प्योर आपकी प्रिकॉशनरी मोटिव की बात कर रहा है। कोई इंडिविजुअल को जैसी रिस्क दिखती है वो जल्दी डर जाता है, और कोई इंडिविजुअल को रिस्क दिखती है तो वो डरता ही नहीं है, और कोई नॉर्मल डरता है, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा डरेगा उतना ज्यादा कैश होल्ड करके रखेगा, जो मीडियम डरेगा वो थोड़ा कम रखेगा, और जो डरेगा ही नहीं वो होल्ड ही नहीं करेगा, उल्टा उधार लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वैसा ही ये कुछ बोल रहा है, देख लेते हैं। टोबिन एनालाइज द रिस्क अवॉइडिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल प्रोवाइडेड द बेसिस, यानी कोई इंडिविजुअल चाहते हैं ना कि रिस्क होना ही नहीं चाहिए तो जेब में भरपूर पैसा रखते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ए फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड फॉर नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड द इंटरेस्ट रेट, दस डिमांड फॉर मनी इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। इन दिस थ्योरी द डिमांड फॉर मनी इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एन इंडिविजुअल ऑप्टिमल पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। पोर्टफोलियो में क्या रहता है, या तो कैश या बॉन्ड्स दोनों फॉर्म में। इट डिटरमाइंड बाय रिस्क रिवॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एसेट्स, टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल इन मैक्सिमाइजिंग हिज यूटिलिटी कंसिस्टेंट विद एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। इंडिविजुअल वुड होल्ड अ पोर्शन ऑफ हिज वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी इन द पोर्टफोलियो, दिस इज बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न ऑन होल्डिंग मनी वॉज मोर सर्टन, मोर सर्टन वर्ड को अंडरलाइन करो, मोर के साथ सर्टन भी लिखा है, देन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन होल्डिंग इंटरेस्ट अर्निंग एसेट। क्या ये स्टेटमेंट से आप सहमत हो क्या? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट में कह रहा है रेट ऑफ रिटर्न ऑन होल्डिंग मनी वॉज मोर सर्टन देन रेट ऑफ रिटर्न ऑन होल्डिंग इंटरेस्ट अर्निंग एसेट। गलत नहीं लग रहा? गलत है, गलत है ना, गलत लिखा है ना, सिर्फ मोर के साथ मोर सर्टन पढ़ना है। मोर अगर सर्टन वर्ड हटा दिए तो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन सर्टन वर्ड अगर रहे तो ये स्टेटमेंट सही है। आपने कोई तो अभी कोऑपरेटिव बैंक में एफडी कर दी, इंटरेस्ट बेरिंग एसेट है आपका एफडी कि नहीं है? है पक्का? 1 लाख रुपए एफडी कर दी और मेरे पास 1 लाख थे, आपके पास 1 लाख थे, आपने एफडी कर दी, मैं बोला नहीं यार मैं नहीं करूंगा एफडी, मुझे डर लगता है, मैं मेरे पैसे मेरे पास ही रखूंगा, ठीक है। और 6 महीने बाद वो बैंक करप्ट हो जाती है, डूब जाती है, आपके पैसे मिलेंगे क्या? हाँ नहीं, कुछ नहीं मिलेंगे, कोऑपरेटिव बैंक है, श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक, बोलो क्या होगा? कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अभी किसकी इनकम सर्टन हुई, आपकी कि मेरी? मेरे पैसे 1 लाख है तो बढ़े नहीं तो कम भी नहीं हुए ना, और आपके क्या हुए? साफ हो गए पूरे 1 लाख रुपए, यस। तो सर्टेनिटी किस में है, करके बार बार सर्टन वर्ड बोल रहा हूं, सर्टेनिटी किस में है? होल्डिंग कैश, अरे कम तो नहीं होगा, हाँ चोरी हो गई तो बात अलग है, लेकिन कम तो नहीं होगा। लेकिन आप बाकी कहीं भी जगह इन्वेस्ट करो, क्या रिटर्न सर्टन है क्या? नहीं सर्टन, किसी के हाथ में पैसा देने के बाद वापस मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं रहती है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ रिटर्न ऑन होल्डिंग मनी, भैया कम नहीं होगा तो बढ़ेगा भी, बढ़ेगा नहीं तो कम भी नहीं होगा, जितना है उतना के उतना रहेगा, बहुत सर्टन है देन रेट ऑफ रिटर्न ऑन होल्डिंग इंटरेस्ट अर्निंग एसेट। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन अब इसने ऐसा बोला है तो बात सही है, इसकी गलत नहीं है। इट एंटेल्स नो कैपिटल गेन और लॉस, पैसा आप हाथ में रख रहे हो तो ना बढ़ेगा ना कम होगा, यानी ना कैपिटल गेन होगा ना कैपिटल लॉस होगा, सही बात है। लेकिन बाकी बॉन्ड्स वगैरह में, इक्विटी वगैरह में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, रिटर्न मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, कैपिटल गेन हो भी सकता है और लॉस भी हो सकता है। Alternatively, the bonds and equity are subject to market price volatility while money is not. समझ आया क्या?
कुछ तो बोलो। तो डिटरमिनेंट फैक्टर्स ऑफ डिमांड क्या होंगी? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन बाइंग बॉन्ड्स, और सेकंड इज इंटरेस्ट रेट। चलो देख लेते हैं। ओवरऑल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो वुड बी हायर इफ पोर्टफोलियो वेयर ऑल बॉन्ड्स। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। पोर्टफोलियो वर्ड का मतलब क्या होता है? आप अपनी वेल्थ किस फॉर्म में रखते हो, कैसा आपका पोर्टफोलियो है। 1 करोड़ रुपए, तो 10 लाख के लैंड खरीद लिया, 10 लाख का आपने गोल्ड खरीद लिया, 10 लाख के शेयर्स खरीद लिए, 10 लाख के म्यूचुअल फंड में डाल दिए, 10 लाख FD में डाल दिए, 10 लाख किसी बॉन्ड्स में डाल दिए, 10 लाख कहीं और डाल, ऐसा ये सब अगर प्रपोर्शन बन जाए 10-10% आप 10 अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करो, तो इसको क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। बराबर है? तो ये पोर्टफोलियो में रिटर्न कैसा रहेगा? मिक्स्ड रिटर्न रहेगा। कुछ कुछ आपने बहुत सेफ इन्वेस्ट किया है, कुछ कुछ आपने बहुत वोलेटाइल इन्वेस्ट किया है। और अगर पूरे के पूरे 1 करोड़ इक्विटी मार्केट में लगा देता हूं तो रिस्क कितना है? बहुत ज्यादा, लेकिन रिटर्न के चांसेस उतने ही ज्यादा। या तो एकदम ऊपर जाएंगे या एकदम नीचे भी आ जाएंगे। रिस्क एंड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड। हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर इज द रिटर्न। पूरी की पूरी मैंने PNB में FD कर दी, तो पैसे कहीं जाएंगे क्या? नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। कोई नीरव मोदी जैसा नहीं ले जाएगा, ठीक है? कहीं पैसे नहीं जाने वाले। और जो बच मेरे बराबर 7% रिटर्न होगा, तो बराबर 1 करोड़ पे 1 करोड़ 7 लाख रुपए 1 साल बाद मिल जाएंगे। सिंपल, ठीक है? तो ये होता है पोर्टफोलियो। आप किस फॉर्म में अपनी वेल्थ को रखते हो, इस वर्ड को बोलते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है? तो वैसे ही कहना चाह रहे हैं कि भैया ये पोर्टफोलियो जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आप पोर्टफोलियो पे चाह रहे हो, अगर सबसे ज्यादा रिटर्न आपको चाहिए तो पूरा के पूरा पैसा आप बॉन्ड्स के फॉर्म में होल्ड करो। मतलब कैश कुछ भी मत रखो, पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो। तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा? हाँ सर, बिल्कुल मिलेगा। हाउएवर रिस्क अवर्स इन्वेस्टर विल बी विलिंग टू एक्सरसाइज अ ट्रेड ऑफ एंड सेक्रीफाइस टू सम एक्सटेंट हायर रिटर्न फॉर रिडक्शन ऑफ रिस्क सिंस मनी इज अ सेफ एसेट। लेकिन वो पूरा के पूरा बॉन्ड में लगा देंगे क्या रिस्क अवर्स इन्वेस्टर? नहीं, वो बोलेगा नहीं पूरा लगा दूंगा और कल कुछ डूब गए तो इसलिए मैं क्या करता, थोड़ा पैसा कैश में रखता हूँ, थोड़ा पैसा बॉन्ड में लगाता हूँ। तो कैश रखने के कारण उसको इंटरेस्ट का लॉस हो रहा, लेकिन क्या वो ये लॉस झेलने को तैयार है सेफर साइड में चलने के लिए? यस, वो झेलने को तैयार है। सिंस रैशनल बिहेवियर इंड्यूसेस हिम टू होल्ड एन ऑप्टिमली स्ट्रक्चर्ड वेल्थ पोर्टफोलियो कंप्राइज ऑफ बोथ बॉन्ड्स एंड मनी, क्योंकि वो रैशनल कंज्यूमर है, इरेशनल नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट तो समझता है कि नहीं समझता है? इंटरेस्ट रेट इज वॉट? रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। जो बॉन्ड में रिटर्न मिलेगा उसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड एज एसेट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा लोग क्या करेंगे? अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आपकी कैश होल्ड करने की कीमत ज्यादा हो जाएंगी, तो इन्वेस्टर का क्या मन बोलेगा? यार एक काम करो, थोड़ा बॉन्ड में रख दो। यानी एज द इंटरेस्ट रेट गोज अप डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेस बिकॉज पीपल कीप कैश इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दोगे, और एज द इंटरेस्ट रेट गो डाउन डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस। अब काय के लिए बॉन्ड में डालूंगा भैया, थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल रहा है अपने पास रखता हूँ, सेफ एसेट, ठीक है? इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कैन बी कंसिडर्ड एज इंक्रीज इन पेमेंट रिसीव फॉर अंडरटेकिंग रिस्क। इफ दिस पेमेंट इज इंक्रीज इन्वेस्टर विल पुट इज विलिंग टू पुट अ ग्रेटर प्रपोर्शन इज पोर्टफोलियो इन टू रिस्क एसेट दैट इज बॉन्ड एंड दस द स्मॉलर नंबर ऑफ प्रोपोर्शन इन टू मनी एंड वाइस वर्सा। यानी इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ तो इन्वेस्टर पैसा ज्यादा होल्ड करेगा। समझ आया क्या? ये इन्वर्स रिलेटेड है, बताया था आपको। चलिए ये यूनिट हमारा यहाँ खत्म होता है। इसके बाद एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। कितने यूनिट हो गए पता है अपने? आधे यूनिट्स हो गए, 7 हो गए। टोटल 14 यूनिट है, उसमें से 7 यूनिट हम कर चुके हैं, 7 और बचे हैं अभी, यानी आधी क्लास अभी भी बची है। चलिए देखते हैं। अब कुछ फालतू चीज़ें लिखी है स्टार्टिंग के अंदर जो विशेष काम की नहीं है। काम का तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेजरमेंट, लेकिन उसके पहले कुछ आपका बेस क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। डिटरमिनेंट्स और कंसेप्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई और मेजरमेंट ये आज पढ़ेंगे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन अवर कंट्री? अभी तक तो हम डिमांड पढ़ रहे थे ना, ट्रांजेक्शन डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड, स्पेक्यूलेटिव डिमांड, डिमांड फॉर मनी, यानी कौन? हम लोग, पब्लिक डिमांड कर रही है। तो कोई तो सप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? तो कौन करेगा सप्लाई?
अपने कंट्री में मनी कौन सप्लाई करता है? बोलो ना भैया, आरबीआई सप्लाई करती, और सिर्फ आरबीआई सप्लाई करती, बैंक भी सप्लाई करती। ओरिजिनल सोर्स तो सर आरबीआई है, वहीं से नोट छपेंगे कि अपन भी छाप सकते हैं। अपन नहीं छाप सकते, नहीं छाप सकते हैं लेकिन इलीगल है, छापे और पकड़े गए तो तकलीफ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जाने दो, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ता हूँ फिर मेन इस पे आता हूँ। मनी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। मनी सप्लाई इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे जिसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। अब ये फर्स्ट पॉइंट में कुछ नहीं समझ रहा ऐसा है क्या? मनी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, आपको भी मालूम है ये चीज़। ठीक है, मनी सप्लाई इज कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन रिक्वायर्स द सप्लाई ऑफ मनी एट एनी टाइम शुड बी मेंटेन्ड एट ऑप्टिमम लेवल। फॉर दिस इट इज नेसेसरी टू एक्यूरेटली एस्टिमेट द स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई ऑन रेगुलर बेसिस इन अकॉर्डेंस विद मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। जैसे जैसे कंट्री में पैसे की रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे सप्लाई होना चाहिए। कभी भी कंट्री में लिक्विडिटी की कमी नहीं होना चाहिए। लिक्विडिटी कमी हमारे डीमोनिटाइजेशन के टाइम हुई थी, आपको याद होगा, जब आपको परफेक्ट विड्रॉल करना अलाउड नहीं था और पुराने नोट चल नहीं रहे थे, तो इस वजह से लिक्विडिटी की कमी आई, तो उस समय हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई थी और 2% से हमारा जीडीपी नीचे आ गया था। ठीक है, तो अगर ऐसा ही चलते रहा नोटबंदी टाइप मनी की सप्लाई कम, तो प्रॉब्लम होंगी कि नहीं होंगे? यस, बिल्कुल होती है। द टर्म मनी सप्लाई डिनोट, अच्छा कौन देख रेख करेगा मनी सप्लाई अबंडेंट रहनी चाहिए, कौन देखेगा? रिजर्व बैंक देखेगा। टर्म मनी सप्लाई डिनोट्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल टू द पीपल इन द इकोनॉमी। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, डिमांड कौन कर रहे हैं? आप लोग। तो सप्लाई किसको चाहिए? आप लोगों को देनी है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है फॉर द पीपल इन द इकोनॉमी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देर आर टू थिंग्स अबाउट एनी मेजर ऑफ मनी सप्लाई। क्या? द सप्लाई ऑफ मनी इज द स्टॉक वेरिएबल, मतलब दैट इज इट रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हम स्टॉक ऑफ गुड्स बोलते ना, वैसे यहाँ पे हम स्टॉक ऑफ मनी, कितना स्टॉक है पैसे का लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, इफ द स्टॉक, इफ द चेंज इन द स्टॉक ऑफ मनी से इंक्रीज और डिक्रीज पर मंथ पर ईयर, विच इज अ फ्लो, कम भी होता है फ्लो ज्यादा भी होता है। जैसे आपके पास 100,000 रुपए कैश है, 50,000 गए, 75,000 आए, तो अब आपका स्टॉक कितना हो गया? अरे 100,000 रुपए थे, 50,000 गए, 75,000 आए, तो बचे कितने जेब में? 125। तो ये क्या हुआ? 50 जाना और 75 आना, ये हो गया फ्लो, कितना गया कितना आया। वैसे ही मनी आपके पास कितनी है, कितना गई कितनी आई, इसको फ्लो बोलते हैं। और एंड में जो स्टॉक बचा उसको मनी स्टॉक, ओपनिंग का स्टॉक भी मनी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी मनी स्टॉक, और जो आया गया उसको क्या बोलेंगे? फ्लो। समझता ना फ्लो का मतलब? पानी फ्लो में बहता, वैसे पैसा भी बहता। ठीक है, द स्टॉक ऑफ मनी ऑलवेज रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल टू द पब्लिक, कितना पब्लिक के लिए अवेलेबल है, फॉर एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मीन्स ऑफ पेमेंट मतलब खर्चा करने के लिए कितना पैसा चाहिए, और एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मुझे कितने पैसे मेरे जेब में रखना है, स्टोर ऑफ वैल्यू। दिस इज ऑलवेज स्मॉलर देन टोटल स्टॉक ऑफ मनी दैट रियली एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। ये तो समझे जैसी बात है ना, पब्लिक के पास जितना रहेगा वो हमेशा कम रहेगा और पूरे इकोनॉमी में जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। टोटल स्टॉक में से ही ये निकल के आता है ना, तो ऑब्वियसली टोटल स्टॉक विल बी ऑलवेज ग्रेटर एंड दिस विल ऑलवेज बी स्मॉलर। ये तो समझे जैसी बात है। अब पब्लिक में कौन कौन आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पब्लिक में कौन कौन आता है, कुछ इंक्लूड होता है कुछ एक्सक्लूड होता है। पहले एक्सक्लूड देख लेते हैं फिर इंक्लूड की बात करेंगे। मतलब एक्सक्लूड अगर पढ़ लिया तो बचा सब कुछ इंक्लूड, सिंपल। प्रोड्यूसर ऑफ मनी जो खुद बनाते हैं वो थोड़ी पब्लिक में आएंगे, कौन है? गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम, यही प्रोड्यूस करते हैं। बैंकिंग सिस्टम में आपकी स्टेट, ये सब नेशनलाइज बैंक वगैरह सब आ गई। ठीक है, ध्यान दो, प्रोड्यूसर ऑफ मनी दैट इज गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम। अब गवर्नमेंट मतलब कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट। लोकल बॉडीज को काट दो, वहां से काट दो लोकल बॉडीज को। लोकल बॉडी मतलब होता क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह। ठीक है, उनको आजकल पब्लिक में डाला गया है, ये बाजू में लिखा है देखो, ऑल लोकल अथॉरिटीज। बैंकिंग सिस्टम मतलब कौन होता बेटा? आरबीआई एंड ऑल द बैंक्स दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, दैट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट,
करंट अकाउंट में आप लोग डिपॉजिट करते कि नहीं करते, तो जो वो एक्सेप्ट करते हैं उनको हम बैंक बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें एक्सक्लूड है। तो बचा कौन, बचे जितने भी है वो इंक्लूड, यानी एक्सक्लूड किसको किया हमने, गवर्नमेंट को किया। कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी की सारी। और हमने किसको एक्सक्लूड किया, बैंकिंग सिस्टम। कौन कौन आ गया उसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आ गया और सारी बैंक आ गई जो लोग डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। तो बचे कौन है, एनबीएफसी भी राम की कोई चीज रहती है, वो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट खोलते क्या, नहीं। वो जो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते क्या, नहीं। तो वो कहाँ आएंगे, मैंने सिर्फ बताया एक्सक्लूड क्या करते, तो बचा क्या हुआ, सब कुछ इंक्लूड, तो वो पब्लिक में आएंगे। ऑल इकोनॉमिक यूनिट, हाउस होल्ड हो, फर्म्स हो, इंस्टीट्यूशन हो, ऑल लोकल अथॉरिटी, एनबीएफसी, नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फॉरेन सेंट्रल बैंक, आईएमएफ विच होल्ड मनी, विच होल्ड अ पार्ट ऑफ इंडियन मनी इन इंडिया। फॉरेन सेंट्रल बैंक मतलब क्या होता है ये बता दो मेरे को, इंडिया की आरबीआई मतलब है क्या, इट इज द सेंट्रल बैंक, यस। वैसे फॉरेन की भी आरबीआई रहती कि नहीं रहती, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ मॉरिशियस, ये सब क्या है, वहां की रिजर्व बैंक है, वहां की सेंट्रल बैंक है जिनके पास नोट छापने की अथॉरिटी है। तो फॉरेन सेंट्रल बैंक क्यों लिखा पब्लिक के अंदर, हो सकता है अपने पैसे वो लोग कुछ होल्ड करते हो, अरे आपन उनके डॉलर होल्ड नहीं करते क्या, तो वो अपने रुपीज होल्ड नहीं कर सकते क्या, कर सकते, तो उनको भी पब्लिक में डाला है। वैसे आईएमएफ, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वो भी कुछ पैसा इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपीज होल्ड करता होगा कि नहीं करता होगा, यस। आईएमएफ विच होल्ड्स अ पार्ट ऑफ इंडियन मनी इन इंडिया। समझ आया कि नहीं आया, अरे हाँ कि ना, तो ये इंक्लूड्स है, ये एक्सक्लूड है, सिंपल है, एक्सक्लूड पढ़ लो, बचा कुछ भी आ जाए एग्जाम में, सब कुछ पब्लिक में इंक्लूड। आई बात समझ, जिसके पास पैसा रहेगा इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना, चलिए ठीक है। अभी काई के लिए मेजर कर रहे हैं मनी सप्लाई, क्या टाइम पास कर रहे हैं सर, गिन सकते क्या हम मनी सप्लाई, हाँ गिन सकते ना, बिल्कुल गिन सकते हैं। नोट छाप के बांटा तो आरबीआई है ना, तो कितने छापा ये उनको मालूम है कि नहीं मालूम। कुछ दिन डिमोनिटाइजेशन के बाद कुछ समय तक आरबीआई डेटा पब्लिश ही नहीं कर रहा था, वो बोल रहे थे डेटा नहीं है हमारे पास, डेटा नहीं है। अरे भैया डेटा कैसे नहीं रहेगा, कितने हजार के नोट छापे और कितने 500 के नोट छापे थे ये आपको मालूम है, सबका डिनोमिनेशन आपके पास है, कितने वापस आए ये भी आपको मालूम है, क्योंकि आफ्टर ऑल बैंकों ने पैसा तो आरबीआई में जमा किया, तो आप फिगर कैसे नहीं दे सकते। फिर कुछ बहुत प्रेशर बना आरबीआई पे, तब उन्होंने फिगर दिया, मतलब गवर्नमेंट रोक रही थी फिगर देने से, क्योंकि फिगर क्या आया, 99.3% नोट वापस आ गए, और आपको पक्का बताता ज्यादा नोट आए हैं, 99.3 बोल रहे हैं। कई लोगों ने नकली नोट भी चला दिए, उस समय वो कैसे हड़बड़ में थे पैसा लेने वाला, जब आप कभी गए थे डिमोनेटाइजेशन में नोट एक्सचेंज कराने या जमा करने, कितनी घाई में थे वो लोग, लंबी लाइन लगी हुई थी बाहर तक, तो नोट एक एक नोट चेक करना उतना पॉसिबल नहीं था, उसने मशीन में ऐसे ऐसे देख रहा था कि एक एक नोट, नहीं कोई नहीं देख, कुछ बैंक वाले देख रहे थे लेकिन कुछ बैंक वाले नहीं देख रहे थे। कई लोगों ने नकली नोट भी चला दिए, और पक्का बता रहा हूँ जितने थे उससे ज़्यादा नोट वापस आए हैं, 100%। और उसी वक्त डिमोनेटाइजेशन पीरियड में कांग्रेस के एक लीडर है कपिल सिब्बल नाम के, उन्होंने पार्लियामेंट में नए नोट, एक ही नंबर के दो नोट बकायदा दिखाए हैं 500 के, ये देखो ओरिजिनल नोट्स। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही नंबर, वो वीडियो भी है यूट्यूब पे, एक ही नंबर के दो नोट दिखा दिए और दोनों असली है, चेक करा लो, इसका मतलब क्या हुआ। अरे लेकिन एक ही नंबर के दो नोट कैसे छप सकते हैं, इसका मतलब ये होता है इट इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द सेंचुरी। कैसे सर, पॉलिटिकल पार्टी जो भी है एक्स वाई जेड, और जो भी जिसकी अथॉरिटी चल रही है उसने बोला एक काम करो, 1 करोड़ रुपए के 500 के नोट ये नंबर के छापना है, तो सेम नंबर के और 1 करोड़ रुपए छाप के हमको दे दो। रिकॉर्ड्स में क्या आएगा कि 1 ही करोड़ छपे, क्योंकि नंबर सीरियल नंबर चलता है ना, रिकॉर्ड्स में क्या आया 1 ही करोड़ छपे, लेकिन छपे कितने हैं, 2। तो एक वहां रह गए पब्लिक में चले गए, और एक उन्होंने अपने पास रख के आधे कन्याकुमारी भेज दिए, आधे कश्मीर भेज दिए, कभी टकराएंगे क्या नोट, या आपके पास दो नोट आते तो आप नंबर चेक करते क्या सेम है क्या, नहीं, जनरल पब्लिक में चला दिए नोट को, कोई खर्चा होगा वो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो कपिल सिब्बल के हाथ लग गए वो दो नोट, उसने दिखाया एक जैसे दो नोट, लेकिन क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ। इसीलिए बोलते इट इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द सेंचुरी। ये सच, और कितने छापे होंगे आपको मालूम है क्या,
जबरदस्ती पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं नकली नोट आने वाले, काय के नक, तुम ही तो एक नंबर के दो नोट छाप रहे, प्रूव कर दिया था, बकायदा दो नोट रखे थे पार्लियामेंट में, वीडियो भी है यूट्यूब पे, जाके देख लेना। लेकिन अब पार्लियामेंट में चल किसकी रही थी उस समय, बीजेपी गवर्नमेंट की, तो किसी भी बात को दबा दिया जाता है ना, ये सर नो, चलो जाने दो अपने क्या करना। आप लोग बनोगे ना सीए, कभी सीए बनने के बाद अगर आरबीआई गवर्नर वगैरह कोई बन गया तो ऐसा मत करना कि गवर्नमेंट गवर्नर की परमिशन के बिना दो नोट नहीं छप सकते, ये ध्यान रखना। गवर्नर को मालूम था तभी ये काम हुआ है, बिना गवर्नर की परमिशन के ये काम नहीं हो सकता। वीडियो चला रहे देख लेना ना यूट्यूब पे जाके, जैसे कल कल ढूंढ के रखता हूँ और चलाता हूँ, ढूंढना पड़ेगा अभी, पक्का पक्का दिखाऊंगा कल, पक्का दिखाऊंगा। पहले ये तो देख लो, पहले ये पढ़ लो, सुनो प्लीज, देखो 8 बज गए, कुछ भी नहीं हुआ आज, दिखाता हूं कल, कल दिखा, अरे कल ढूंढ के रख, अभी ढूंढने में टाइम लगेगा। अच्छा रुको देखता हूं, रुको तो सही है, एक मिनट तो रुको, आप लोग रुकते नहीं। आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या मेरी बात पे? मिल गया, चलाऊ गया, एक सेकंड, ये बंद हो जाता ना, लेकिन बीच बीच में कनेक्ट करना पड़ेगा ना उसके पहले, पर्सनल हॉटस्पॉट, रुको एक मिनट। अरे मैं सच्ची बोल रहा, ऐसा हुआ था उसने जेरोक्स कॉपी दोनों नोट की दिखाई थी भैया, इतने सारे लोगों के नेट चल रहे, वाह। वो माइक कहाँ से लगाऊंगा? अच्छा ये माइक लगाना पड़ता है यहाँ पे कि आवाज ऐसे ही आ जाएंगी? ये दिख रहा आपको थर्ड वाला? नहीं है तो क्या करूं? मुझे नहीं आता ये सुना नहीं क्या? हो गया खत्म?
कहाँ चल रहा हूँ। आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती क्या? वीडियो चला रहा है, आवाज आएंगी क्या? चलो आप लोग देख लेना ना YouTube पे अभी क्या टाइम पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो किस्म के नोट छपती है, सो व्हाट छपाई है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, सो व्हाट डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिजाइन के, सर हर चलो जान दो। अरे सच्ची बोला था इसने, मजाक थोड़ी कर रहा है। हाँ वैसे तो मोबाइल में साउंड चालू कर सकते हो। यहाँ पिक्चर देख लो, यहाँ ऑडियो सुन लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो किस्म के नोट छपती है, सो व्हाट छपाती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, सो व्हाट डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिजाइन के, और आज हमें पता चला है सर, वी हैव अ डिफरेंट इशू, आज पता चला है दोनों साइड का ऑर्डर, दैट इज दैट इज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जो नोट डिफरेंट इशू इशू के पास, जो नोट भाजपा के कार्यकर्ता के पास इलेक्शन के दौरान है, वो यही नोट हैं जो आरबीआई छापती है। चलो वापस जाके यूट्यूब पे देख लो। अरे वो बहस करते तो क्या करेंगे, उनको समझना चाहिए उनको ये चीज कि बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है ना। सच्ची हुआ है ये, इसलिए बोलते हैं डीमोनेटाइज। अब ये स्कैम कब उजागर होगा कि ये स्कैम था, कि ये जो स्कैम है, अब ये सच्ची समझ लो थोड़ी देर के लिए स्कैम है आप मान लो, तो ये पता कब चलेगा? अभी गवर्नमेंट किसकी है? अपने स्कैम खुद ही बताएंगे कि अपने मुंह से नहीं, तो जब तक ये चल रहे हैं तब तक ये स्कैम पता नहीं चलेगा। और जिस दिन गवर्नमेंट चेंज हो गई उस दिन सबसे पहले ये स्कैम की पूरी तहकीकात की जाएंगी। आई बात समझ में? अभी तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई सब इनके ही हाथ में है ना, यस और नो? ठीक है चलो जाने दो, हमको क्या करना है, पढ़ाई करो ना, अपने को तो पढ़ना चाहिए ना। ठीक है, आपने आप लोगों ने वोट डाले ना सबने? नहीं डाले क्या? जिसने भी डाला दबाया ना कमल का बटन, दबाया ना सबने? हाँ देख लो फिर कैसे क्या होता। अरे मेरी जाने दो। इट फैसिलिटेट्स द एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी डेवलपमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेस ऑफ मनी ग्रोथ। इट इज असेंशियल फॉर्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी perspective as it provides a framework to evaluate whether the stock of money in the economy is consistent with the standards of price stability and to understand the nature of deviation from this standard. Iska matlab ye hai ki price standard, jaise jo price inflation hai
प्राइस इंडेक्स, वो बार बार चेंज होते रहता है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इन्फ्लेशन कंट्री में बढ़ रहा है तो मुझे मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए कि कम करनी चाहिए? इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई क्यों, उससे क्या होगा लोगों के हाथ में? वही वो पूरी कहानी बताई थी फिस्कल पॉलिसी जो अपन ने बताया। चलिए ठीक है, द सेंट्रल बैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड अडॉप्ट मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल एंड जीडीपी ग्रोथ बाय डायरेक्टली कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के हाथों में, बाकी किसी के हाथ में नहीं रहता। This is achieved mainly by managing the quantity of monetary base. The success of monetary policy depends to the large extent on controlling money supply and monetary base. हमारे यहाँ पे दो sources है money supply के, एक है central bank, ये तो whole and sole supplier है, दूसरा banking system of the country. लेकिन ये कौन सी money देते हैं, हमेशा के लिए देते क्या? नहीं, ऐसी money को बोलते हैं credit money, मतलब ये उधार बांटते हैं। ये दोनों सोर्स है मनी सप्लाई के, और ये पहला सोर्स जो है इसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, मतलब जो करेंसी छाप के देना उसको हम लोग हाई पावर्ड मनी बोलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अगर कॉमर्स पढ़ा होगा तो ये पढ़े होंगे, ये सीबीएसई वालों ने पर्टिकुलर ने M1 M2 M3 M4 NM1 NM2 NM3 L1 L2 L3 पढ़ा किसी ने? ये क्या, बस इतना ही पढ़ा? ये ऊपर के नहीं पढ़े? कहाँ पढ़ा ये L1 L2 L3? 12th इकोनॉमिक्स था क्या? सीबीएसई स्टेट वालों को तो नहीं है मुझे जहां तक ध्यान है। चलो जाने दो ना, सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वैसे भी याद थोड़ी होगा, याद कहाँ होगा सर कल का है। अरे थोड़ा याद होने से थोड़ी काम होता, मार्क्स भी थोड़े ही मिलेंगे ना, फिर ज्यादा नहीं मिलेंगे ना, ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सर, पास होने जितने मिल जाए बहुत है, ऐसा कोई है यहाँ पे? है ना, पास होने जितने मिल जाए बहुत है कि रैंक ही लेके आना है? पास, शाबाश, एक दो, मैं भी सहमत हूँ, मैं भी ऐसा ही था, पास हो जाए बहुत है भैया। चलिए आगे चलते हैं, हाई पावर्ड मनी प्लीज ध्यान दो, द सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल कंट्रीज प्लीज आर एम्पावर्ड टू इशू करेंसी एंड देयरफॉर सेंट्रल बैंक इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन ऑल द कंट्रीज, इसी को हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। सेकेंड, द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड एज फिएट मनी, इट इज द लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट एंड इट्स वैल्यू इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। सही बात है, जो पैसा आपके हाथ में आपको उतने रुपए देने की लायबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की और सेंट्रल बैंक की, और जिसकी चुकाने का काम कौन करता है, गारंटी कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। देयरफॉर इट मस्ट बी बैक्ड बाय इक्वल वैल्यू ऑफ एसेट कंसिस्टिंग मेनली ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। बराबर इक्वल वैल्यू रहनी चाहिए क्या? रहना तो चाहिए, लेकिन रहती है क्या? नहीं, पहले ऐसा था, पहले यानी काफी साल पहले, जितने गोल्ड रहता था वो मॉर्गेज करके उतने ही नोट छापते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट मॉर्गेज रख लेते हैं या फिक्स्ड अमाउंट साइड रखते हैं और बचा नोट दिन भर नोट छापना चालू रहता है। कहाँ पे, अपने कंट्री में? नहीं, अपने कंट्री में दिन भर नहीं छापते। आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों ने कभी शायद उस एंगल से सोचा कि नहीं, मुझे नहीं पता, पूरी वर्ल्ड पूरी दुनिया US डॉलर के पीछे पागल है, मानते कि नहीं मानते? हर कंट्री ये सोचता है जितना ज्यादा USD रहेगा मेरे पास उतना मैं रिच हूं, हाँ कि ना? अमेरिका को जिसको डॉलर छापने हैं वो क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो दिन भर 24 घंटा प्रिंटिंग चालू है। अमेरिका को किसी से कोई चीज खरीदनी है तो वर्ल्ड की ट्रेड कौन सी करेंसी में होती है? USD के अंदर। जस्ट इमेजिन कल इंडिया को कुछ खरीदना है और पूरा वर्ल्ड इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट कर ले तो इंडिया का क्या जाएगा? सिर्फ कागज ही जाएंगे ना, क्योंकि इंडिया के लिए वो नोट छापना है ना कागज छापने के बराबर है। वैसे ही अमेरिका के लिए डॉलर्स छापना मतलब क्या है? कागज छापने के बराबर है, यानी सिर्फ कागज छाप के दे रहा है लोगों को और जितनी चीजें चाहिए वो ले रहा है, हाँ कि ना? USD इज द व्हीकल करेंसी, यानी पूरे वर्ल्ड में USD चलती है, ये आपको मालूम है? अरे हाँ कि ना? और अमेरिका को नोट छापना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, कागज लो प्रिंट कर दो, और क्या करना पड़ेगा बताओ? तो वो अपने कागज चला रहा है पूरे वर्ल्ड में,
नहीं, डॉलर की वैल्यू गिरती है ना, हाँ वो तो पड़ती है ना, वो तो है ही ना, गिरेंगी ना, लेकिन फिर भी छाप रहे ना, फिर भी इंडियन करेंसी के मुकाबले बाकी तो डॉलर एप्रिशिएट ही हो रहा है ना। अरे यार, एक रुपए के बदले एक रुपए ने चाचा नेहरू ने रखा था, आज एक रुपए के बदले 70 रुपए हमने पहुंचा दिया, एक डॉलर के बदले 70 रुपए। मालूम है कि डॉलर की कहानी, एक रुपए इज इक्वल टू $1, ये चाचा रेनू ने फिक्स किया था। फिक्स रेजिम, फ्लोटिंग रेजिम, मालूम है कि नहीं? चलो अगले चैप्टर में आएगा जब बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो पूरा वो नहीं, नहीं अगले चैप्टर में आने ही वाला है वैसे, अभी तब बताऊंगा पूरी कहानी। हाँ तो मुझे एक चीज बताओ, पहले मेरी बात सुनो, अमेरिका क्या कर रहा है? कागज छाप रहा है और कागज दे के जितना उसको जो कुछ चाहिए वो ले रहा कि नहीं ले रहा, आप बताओ। या तो आप, मैं बोल रहा हूं तो गलत बोल रहा हूं वो प्रूव कर दो, और आप भी वो कागज के पीछे पागल हो, मतलब हमारे RBI USD जितनी फॉरेन करेंसी का स्टॉक रहेगा उतना अच्छा है ना हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि वी आर इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, वी आर नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, ठीक है? क्योंकि इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए ना, USD, तो USD का स्टॉक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सोच लो, हम लोग सब, हम लोग तो ठीक है डॉलर ले रहे, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? 24/7 प्रिंटिंग चालू है USD की, मालूम है आपको? 24/7 प्रिंटिंग चालू है, और जब तक लोगों को अक्कल आएंगी ना तब तक बहुत देर, अभी धीरे धीरे अक्कल आ रही है लोगों को। इंडिया, ईरान, ये सब आपस में अपनी करेंसी में डील कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे अपनी करेंसी में करेंगे, डॉलर्स को सबने हटा दिया। अरब कंट्रीज जितने भी है जहां दिनार चलते हैं वो लोग अपनी करेंसी में डील करेंगे, उन्होंने अरब लीग बना लिया। अब धीरे धीरे अकल आ रही, लेकिन जब तक पूरी अकल आएंगी तब तक शायद बहुत देर हो जाएंगी। और अमेरिका के पास रिसोर्स रिच है, वैसे भी कैपिटल अबंडेंट कंट्री और रिसोर्सेस ही रिसोर्सेस है, वो खुद के रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहा, अभी इंपोर्ट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि करना, इंपोर्ट करना तो फ्री में ही हो रहा ना उसका इंपोर्ट। अरे कागज छाप के देना है और करना क्या है? यस और नो, मैं गलत बोल रहा है क्या? सोच के बताओ, कोई प्रूव कर सकता मैं गलत बोल रहा भाई? मैंने, हाँ नहीं करना पड़ता ना, पहले करना पड़ता था, अभी नहीं करना पड़ता। ये देखो ना आगे लिखा है ना, हाउएवर प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैड अडॉप्टेड मिनिमम रिजर्व सिस्टम रिक्वायरमेंट वेयर इन सेंट्रल बैंक इज एम्पावर टू इशू करेंसी टू एनी एक्सटेंट बाय कीपिंग ओनली अ सर्टन मिनिमम रिजर्व ऑफ ये गॉड नहीं गोल्ड है एंड फॉरेन सिक्योरिटी। बस ये हर कंट्री में एप्लीकेबल है, बस एक एक टन दो टन सोना जितना भी सोचना है रख दिया, बाकी डॉलर छापो। हाँ कि ना, आप ही बताओ, या तो गलत प्रूफ करो। किसकी? मतलब मार्केट रेट, मार्केट रेट ऑफ डिमांड सप्लाई पे करेंसी वैल्यू डिटरमाइन होती है। डॉलर का रूपी के अगेंस्ट में क्या है, डॉलर का पाउंड के अगेंस्ट में क्या है, डॉलर का यूरो के अगेंस्ट में क्या है, ये तो मार्केट रिपोर्ट्स ऑफ डिमांड सप्लाई पे चलेगा। अगर डॉलर जितने ज्यादा छाप के बांटते जाएंगे उतना डॉलर नीचे गिरते जाएगा, सिंपल सी बात है, ये उनको भी समझ रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो कितना भी छापे पूरे वर्ल्ड लेवल पे डॉलर चलता है, हमारे रुपए को कौन पूछ रहा है? सिर्फ इंडिया में ही चल रहा ना, लेकिन डॉलर तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाओ, चाहे किसी भी कंट्री में चले जाओ, डॉलर चलते ही हैं, USD चलता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो अमेरिका का क्या जा रहा है, छाप के बांटना है और चीजें अंदर करते जाओ। इसीलिए अमेरिका खुद के रिजर्व यूज नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ इंपोर्ट कर रहा है, और जिस दिन खत्म हो जाएगा ना वर्ल्ड में, उस दिन वो अपने रिसोर्सेज यूज करेंगे और जिसको चाहिए मुंह मांगे रेट में देंगे। उसको मालूम है वापस डॉलर को मैं रिवर्स भी ला सकता हूं, पावर है ना। सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? डॉलर छापने और बांट, और पूरा वर्ल्ड डॉलर के पीछे क्रेजी है, डॉलर चाहिए, USD चाहिए, USD है तो है, क्या करूं मैं? सोचो ना, आपको $1 के बदले 70 रुपए इंडिया में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो आप भी डॉलर के पीछे क्रेजी रहोगे कि नहीं रहोगे? ऑब्वियसली रहोगे, लेकिन अमेरिका दे रहा है, जहां से सोर्स है वो तो कागज ही दे रहा है, और क्या दे रहा है? यस और नो? अरे हाँ तो बोलो, सही है। कल सोचना घर पे, साला सही में ऐसा है क्या, सच्ची में ऐसा है? अब धीरे धीरे अकल आ रही है लोगों को, लोग अपनी करेंसी में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन टाइम लग जाएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। चलो जाने दो। सेकेंड कौन सा सोर्स है? बैंकिंग सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी। बैंक क्या करती है? उधार बांटती है, ठीक है? द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इज ऑल्सो डिटरमाइंड द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इन द कंट्री।
बैंक क्रिएट मनी सप्लाई इन द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग, लेती भी है लोगों से उधार और देती भी है, यही करती है बैंक, एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड गिव द क्रेडिट. मनी सो क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी. अब हम आते हैं इस चैप्टर के क्रक्स पार्ट पे, इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है आपका मॉनेटरी एग्रीगेट्स, इसको बोलते हैं M1, M2, M3, M4. न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स NM1, NM2, NM3. लिक्विडिटी एग्रीगेट्स L1, L2, L3. ये चीज अलग है और ये दोनों चीज अलग है. आई रिपीट, ये चीज अलग है और ये दोनों चीज अलग है. दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है, ये एक चीज हो गई और ये दोनों एक ही है. एक इन द सेंस यहां से शुरू होंगे और यहां पे खत्म होंगे, यानी NM1, NM2, NM3 के बाद इसी के कंटिन्यूएशन में L1, L2, L3 निकलेगा. आई बात समझ में? और M1 से शुरू होगा और M4 पे ही खत्म हो जाएगा, और यहां NM1 से शुरू होगा और L3 पे खत्म होगा. इसका मतलब ये लाइन एक है और ये लाइन अलग. आई बात समझ में? ये लाइन एक है, ये दोनों लाइन, और ये लाइन एक. हाँ कि ना? सिर्फ सिंपल भाषा में बता रहा हूं. तो पहले थोड़ी देर के लिए NM1 ये सब भूल जाओ, सिर्फ बात किसकी करेंगे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे. इसको थोड़ी देर के लिए साइड रख दो, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए, ठीक है? तो पढ़े M1, M2, M3, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है सच्ची. और एग्जाम का क्वेश्चन तो इससे भी सिंपल आया था, ठीक है? अभी देखते हैं क्या बोलते. तो बस ये डब्बा दिख रहा क्या? ये डब्बा दिख रहा ना, सब कुछ इसी के अंदर है, सब कुछ. बस इतना पढ़ लिया, आपका काम हो गया. ये कहानी लिखी है इसकी M1, M2, M3 की. पढ़ने का एक बार पढ़ लेते, कोई काम की नहीं है वैसे. इन 1967-68 RBI used to publish only a single narrow money measure of money supply. RBI सिर्फ M1 publish करता था. ये M1 M2 क्या होता है बाद में देखते हैं. Define the sum of currency and demand deposits held by the public. From 67-68, a broader measure of money supply called aggregate monetary source was additionally published by RBI. From April 1977, following the recommendation of second working group, जिसको SWG भी बोलते हैं, the RBI has been publishing data on four alternative measures, for example, denoted by M1, M2, M3, M4, beside the reserve money. इसका मतलब reserve money अलग चीज है और ये M1, M2, M3, M4 अलग चीज है. तो reserve money क्या होता? ये भैया हम यहाँ पे पढ़ेंगे. आ गया, ये रहा reserve money, दिख रहा? ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ ये चार चीज की बात करते हैं, M1, M2, M3. सबसे पहले डब्बा देखते हैं, डब्बे से क्या समझ में आता है. M1 मतलब क्या लिखा है पढ़ो ना, करेंसी नोट एंड कॉइन विद द पीपल. क्या लिखा है? करेंसी नोट एंड कॉइन्स विद द पीपल, ठीक है? इसके आगे लिखा है नेट डिमांड प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट. अब नेट लिखा है, नेट वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रॉस में से कुछ तो भी माइनस हुआ तब ये नेट निकल के आया, बराबर है? ठीक है, क्या माइनस हुआ वो भी देखेंगे. और उसके बाद लिखा है अदर डिपॉजिट्स. क्या लिखा है? ऑफ लिखा है, विथ लिखा है आपके नोट्स में, उसको काटो ऑफ को और विथ लिखो. करेक्शन किया ही नहीं लगता टाइपिस्ट ने. क्या लिखोगे बेटा? अदर डिपॉजिट्स. क्या लिखा? विथ द RBI. ऑफ और विथ बहुत फर्क होता है. ऑफ मतलब RBI के, विथ मतलब RBI के पास. यस और नो? क्या होता है M1? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विथ पीपल, पीपल यानी जनरल पब्लिक जो आपके पास है. नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI. तो बेटा करेंसी नोट मतलब क्या होता? ये करेंसी नोट एंड कॉइन मतलब क्या होता? कुछ नहीं सर, पेपर करेंसी और कॉइन. अरे जेब में करेंसी रहती, पेपर करेंसी और कॉइन, इसी को बोलते करेंसी विद पब्लिक. तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता, जो नेट डिमांड डिपॉजिट यहां बोला है? डिमांड डिपॉजिट मतलब आपने ऐसा पैसा जो डिपॉजिट किया है, जब आप चाहो, जब आप डिमांड करो, आपको वापस मिल जाएगा. तो टाइम डिपॉजिट क्या होता?
फिक्स डिपॉजिट, एक साल के लिए, दो साल के लिए, पांच साल के लिए, इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स। और जो डिमांड डिपॉजिट्स रहते हैं, जो आप सीए और एसए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में जो आप डिपॉजिट करते हो, ये जब चाहे आप बैंक से जाके निकाल सकते हो, आपने डिमांड किया तो बैंक को देना पड़ेगा, तो ऐसे डिपॉजिट्स को क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। यहां सिर्फ डिमांड डिपॉजिट बोला है M1 निकालने के लिए, यानी कि टाइम डिपॉजिट्स की बात ही नहीं की गई है, यानी एफडी वेफडी की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा। लेकिन नेट क्यों बोला? नेट इसीलिए बोला कि इन क्या मैक्स करना, टैक्स माइनस करना है इंटर बैंक डिपॉजिट्स। इंटर बैंक मतलब दो बैंक का आपस में कुछ ना कुछ लेना देना रह सकता कि नहीं रह सकता, तो अगर वैसा कुछ है तो उसको माइनस कर दो, अगर वैसा कुछ है तो उसको हटा दो, क्योंकि अगर उसको हटाया नहीं तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएंगी क्या, इसीलिए उसको हटाना है, ठीक है। अब यहां पे वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला। तो बेटा अदर डिपॉजिट क्या हुए, ये लिखा है जो अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, ये क्या हो गया लिखा है यहां पे, द अदर डिपॉजिट्स दोज हेल्ड बाय गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल और स्टेट आर इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ क्वाजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्वाजी मतलब मिक्स्ड या सिमिलर टू, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी, यानी मिक्स्ड है, ऐसे इंस्टीट्यूशन रहते हैं क्या? हाँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आपका फॉरेस्ट सर्वे एंड स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस टाइप के बहुत सारे लोग रहते हैं जो मिक्स्ड क्वाजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इनके पास भी पैसे रहते कि नहीं रहते? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ आरबीआई, बैलेंसेस इन अकाउंट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। फॉरेन की सेंट्रल बैंक, इनका अकाउंट कहां रहेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अब फॉरेन की गवर्नमेंट, इनका अकाउंट कहां रहेगा? रिजर्व बैंक। तो इसमें कुछ पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो ये डिपॉजिट्स किसके पास है? विथ आरबीआई। बैलेंसेस इन अकाउंट ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी सच एज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इनके अकाउंट भी कहां रहेंगे? आरबीआई में। तो इनके अकाउंट में भी कुछ बैलेंस रहेगा कि नहीं इंडियन करेंसी के फॉर्म में? यस और नो? तो इसको हम बोलते हैं अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। समझ आया क्या? सिंपल है। तो ये तो सर M1 निकाल लिया, M2 क्या होता है? M2 कुछ नहीं होता बेटा, M2 मतलब M1 तो जोड़ना ही है, प्लस क्या करना है? सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी बैंक अकाउंट खुलता है, वहां भी आप अपना सेविंग अकाउंट खोलते हो, तो वहां पे अगर आपने कुछ पैसा रखा बैंक के अलावा, तो वो उसको अपन बोलेंगे M2। ठीक है, बोल रहा है वैसे वैसे थोड़ी देर के लिए चलते जाओ, फिर एक सवाल पूछूंगा, फिर आप समझ जाओगे काय के लिए सर्कस कर रहे हो, ठीक है। M3 क्या होता? M1 प्लस, देखो हर जगह M2 इक्वल टू M1 प्लस, M4 इक्वल टू M3 प्लस, लेकिन M3 निकालने के लिए M2 नहीं जोड़ना पड़ता, क्या जोड़ना पड़ता? M1। ये ध्यान में रखने वाली बात है, नहीं तो भेड़ चाल जैसे चलते जाओगे, ठीक है। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। वाओ, टाइम डिपॉजिट मतलब वो FD यहां छोड़ दिया था ना, तो यहां लेना पड़ेगा ना, वो भी पैसा है कि नहीं है? अगेन नेट बोला है मतलब इंटर बैंक माइनस कर देने का, नेट टाइम डिपॉजिट जोड़ दिया, वेरी गुड। M4 मतलब M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ भैया? ये डबल काउंटिंग हो गई ना पोस्ट ऑफिस की? बोलो हाँ नहीं? सर हमने M2 तो कहीं लिया ही नहीं आगे, और ये पोस्ट ऑफिस तो M2 में आ रहा है, यस और नो? तो डबल काउंटिंग कैसे? समझे नहीं समझे? अरे यस और नो? देखो यहां पे M4 निकालने के लिए मैं क्या ले रहा हूं? M3 ले रहा हूं। M3 के अंदर मैंने क्या पकड़ा? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। M1 तो ये है ना, मैंने M2 कहीं लिया क्या आगे? नहीं। और M2 में तो ये इंक्लूड है, तो M2 को आगे कहीं लिया नहीं, इसलिए डबल काउंटिंग हो रही क्या? नहीं हो रही। M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC,
एनएससी सुना होगा ना, एटीसी में डिडक्शन मिलता किसान विकास पत्र वगैरह, तो इसके अंदर ये हटाना है। इसका मतलब एक चीज बताओ, M2 निकालते वक्त ये एनएससी इसमें आ जाएगा क्या? M2 निकालते टाइम आपको बोला है क्या कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से आपको एनएससी हटाना है? इसका मतलब ये जो एनएससी वगैरह है ये M2 में इंक्लूडेड रहेगा? सब्जे जैसी बात है ना, हटाने का कहां बोला हमको? अब चलो मेरे को एक चीज बताओ, इसमें से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है? M1, M2, M3 की M4, और सबसे कम लिक्विड कौन सा है? M1 के अंदर लिखा क्या है? करेंसी नोट लिखे है, इससे ज्यादा लिक्विड क्या हो सकता है? करंट सेविंग अकाउंट में, वो भी तो लिक्विड ही है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हो, वो भी लिक्विड है। और अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई के पास ये पैसे, सॉरी ऑफ नहीं, विथ आरबीआई, मतलब आरबीआई के पास ये पैसे पड़े हैं, यानी जब चाहे इसको यूज हो सकता है, लोग विड्रॉ कर सकते हैं, जो भी सेविंग बैंक ये जो अदर इंस्टीट्यूशन है जिसने पैसा रखा है। आरबीआई कभी डिफॉल्ट करेगा क्या? नहीं। यानी ये सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड हो गया ये, तो लीस्ट लिक्विड क्या हुआ? M4 लिखा है यहां पे, सब कुछ छाप के दिया हुआ है, M1 बीइंग द मोस्ट लिक्विड, M4 इज द लीस्ट लिक्विड। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर मत देखो मेहरबानी करके, और ये सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं भी सॉल्व करता हूं। M1 निकालना है, M2 निकालना है, M3 निकालना है, M4 निकालना है, सिंपल, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार निकालो आंसर क्या आता मुझे बताओ। अरे बुक नहीं लाते क्यों? भूल गए क्या? एक ही तो लेक्चर है उसमें भूल गए यार। आया क्या आंसर? आया, सॉल्व ही तो करना है, करना क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक दिया हुआ है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक दिया है, नेट टाइम डिपॉजिट्स दिया हुआ है, इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट्स दिया है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस दिया है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग एनएससी दिया है, एनएससी का फिगर अलग भी दिया है, अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई लिखा है, उसको काट के विथ कर दो। और कुछ दिया है क्या? नहीं, इतना ही दिया है। बोलो क्या करोगे? एम वन कितना आया? 22,000। एम टू, एम थ्री, हाँ एक मिनट रुक जाते, क्या वो डाउट है क्या? लाओ लाओ, डाउट है? हाँ तो जिसका भी है लाओ ना, तो आओ ना, तो पीछे से, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना। अरे अभी तो बताया, फिर से बताऊं? जिसका भी डाउट है फिर से बताऊं क्या? फिर से बता देता हूं, पहले सॉल्व किया कि आ गया क्या आंसर? क्या आया आगे? M3 और M4 65 आ रहा है। अरे हाँ, वो तीन को काट के चार कर दो, तब तीन करोगे तो 66 आएगा। तीन को नहीं, तीन ही रहने दो, जान दो, या तो तीन को काट के चार कर दो या आंसर में चेंज कर देंगे, जैसी आपकी इच्छा। हाँ भैया चलो डाउट एक बार ले लेते हैं। M1, M2, M3, M4, ये जो M1, M2, M3, M4 चार चीजें निकालते ना, इसको मॉनिटरी एग्रीगेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये काय के लिए निकालते हैं? लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने के लिए। कई बार लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने के लिए ये हम लोग निकालते हैं। तो आरबीआई को अगर मैंने M1 बोला, व्हाट इज द M1, तो तुरंत क्लिक हो जाता है। यानी M1 यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग कहना चाह रहे हैं करेंसी विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। ये चीजों का अगर टोटल पता करना है तो उसको मैं एम वन बोलूंगा। ये एम वन नामकरण किसने किया? रिजर्व बैंक ने नामकरण किया, ठीक है, मैंने नहीं किया, ठीक है। फिर एम टू निकाला,
M2 के अंदर ये सारी चीजें भी और डाल दी, M1 को तो लिया ही लिया, प्लस साथ में सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये भी तो पैसा है कि नहीं है? ये जो पोस्ट ऑफिस में पैसा है ये भी पैसा है, यस इस ये भी पैसा है। फिर M3 निकालने के लिए M1 बोला, प्लस उसके साथ नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। और M4 अगर आपको निकालना है तो M3 बोलो और उसके M3 निकालो, उसके बाद ये टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग एक्सेप्ट एनएससी, ये माइनस करने के लिए बोला। अब ये काय के लिए ये सब निकाल रहे हैं? ये सब लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने के लिए निकाला जाता है। कई बार क्या होता है, M1 कम पड़ जाता है, देखिए ये तो पक्की बात है M1 हमेशा कम आएगा और M4 हमेशा ज्यादा आएगा, हाँ, लेकिन इनका एक डिफरेंस है जो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, इनका डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने के लिए। क्योंकि अगर M1 बहुत कम है और M4 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मोस्ट लिक्विड एसेट कम है और बाकी भी एसेट है लेकिन मोस्ट लिक्विड नहीं है, यानी वो ज्यादा है, इसका मतलब क्लियर लिक्विडिटी पोजीशन हमारे इकोनॉमी में कम है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे M1 बढ़ जाए, या तो करेंसी छापो, या ये अट्रैक्टिव स्कीम जो है ना डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, इसको कम कर दो। अगर आप एफडी के अंदर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट नहीं दोगे तो लोग एफडी क्यों करेंगे, लोग सेविंग अकाउंट में पैसा पड़े रहने देंगे। सेविंग अकाउंट में कितना मिलता है, 4%, एफडी में कितना मिलता है, 7%, और एफडी में आप एक साल पहले पैसा निकाल भी नहीं सकते, और मैं आपको बोलता हूँ आज से 7 नहीं मैं 5 ही दूंगा, तो आप क्या करोगे, सर सेविंग में ही पड़े रहने दो ना, जब जरूरत है जब निकाल लेंगे। और सेविंग में अगर पैसा है तो कहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, एम वन में। लिक्विडिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी, और ये टाइम डिपॉजिट यहाँ पे आता है, यस और नो? तो ये सारी चीजें आरबीआई कर सके, इसीलिए बार बार चेक करते रहते हैं। आई क्या बात समझ में, जिसका भी डाउट हो इसके बाद भी रहे तो क्लास में पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये आंसर आएगा सबका, चलो एक बार सॉल्व कर लेते फिर भी हम लोग। M1 कैसे निकालेंगे, क्या करूं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, इसके बाद क्या ऐड करते हैं इसमें, नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, दैट इज करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, और क्या ऐड करते हैं, अदर डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक कितनी है बताओ, सॉरी कितनी है, 7000, ये देखो 7000 लिखा है, चलो 7000। इसके बाद क्या है, नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक कितने हैं भैया, देखो डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक 13000, इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट 2000, नेट निकालना है तो माइनस करूंगी नहीं, हाँ तो टोटल जोड़ू कितना, 11000। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई कितना है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई किधर गया, किधर गया, ये रहा 4000, कितना हुआ 11, 4, 15 और 7, 22000 आया आंसर। अब M2 निकालना है, M2 is equals to M1 plus what, saving deposit with post office bank, कितना है saving deposit with post office bank, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक 8000 दिया हुआ है साफ साफ, तो क्या करूं, कुछ नहीं सर लिख दो, M1 कितना है 22000 प्लस 8000 कितना आएगा 30000। इसके बाद M3 निकालना है, M3 इज व्हाट, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, कितना दिया है टाइम डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट आपको दिया है 28000, साफ साफ लिखा हुआ है, कितना लिखूं 28000, 28000 प्लस M1 कितना है 22000, कितना हुआ बेटा 50000, और M4 कितना होगा, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस का टोटल डिपॉजिट लेकिन एक्सक्लूडिंग एनएससी, ठीक है, कहा लिखा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 3000, और टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग एनएससी 19 में से 3 गए कितने बचते हैं 16, यानी M3 प्लस 16000, यानी 50000 प्लस 16000 कितना होता 66000। अब बोलो इससे आसान क्या पूछूं आपसे, अरे इससे आसान कुछ पूछेंगे क्या, नहीं इससे आसान नहीं आएगा, तो किया ना माइनस, क्यों का क्या जवाब, आरबीआई ने बोला ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स निकालना है,
भाई उनको ये हिसाब से चाहिए, एनएससी यानी सेविंग सर्टिफिकेट है, उनका कहना है इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, एम टू के लिए उनको इंक्लूड रखा है, एम फोर के लिए इंक्लूड नहीं रखा, यानी जैसे ही एम फोर बोलेंगे उनको क्लिक हो जाना चाहिए कि इसमें एनएससी नहीं है, एम टू बोले हाँ एनएससी है, ऐसा वो लोग करते हैं, चेक करते रहेंगे। दो चीजें और पढ़नी है, एनएम वन एनएम टू एनएम थ्री पे तो बाद में आते हैं, उसके पहले कोई और चीज आपको बताता हूं। एक रिजर्व मनी नाम की चीज होती है, ध्यान दो प्लीज, हमको चार नए एग्रीगेट्स पढ़ना है, ठीक है। अब ये एम वन एम टू एम थ्री एम फोर आजकल नहीं चलता, पहले चलता था, आजकल ये न्यू एम वन एम टू एम थ्री चलता है नया, ठीक है, कोई बात नहीं। रिजर्व मनी NM1, NM2, NM3। सबसे पहले तो भैया रिजर्व मनी क्या होता है ये आपको बताता हूँ। रिजर्व मनी निकालने के दो तरीके हैं, एक है आपका लायबिलिटी अप्रोच और एक है एसेट अप्रोच। कौन सी अप्रोच? लायबिलिटी अप्रोच, एसेट अप्रोच। तो किसकी लायबिलिटी, किसके एसेट? यहाँ पे RBI की लायबिलिटी और यहाँ पे RBI के एसेट। किसकी लायबिलिटी, किसके एसेट? आरबीआई की लायबिलिटी और आरबीआई के एसेट, ठीक है। दो तरीके से निकाल सकते, या तो ये या ये, दोनों से आंसर सेम आ भी सकता नहीं भी आ सकता। सेम आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो हमको पता चल जाएगा कहां गड़बड़ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यूजर और लायबिलिटी अप्रोच। दिस इन दिस कैलकुलेशन, इन दिस अप्रोच रिजर्व मनी कैसे कैलकुलेट होगा? करेंसी इन सर्क्यूलेशन। क्या करेंसी इन सर्क्यूलेशन आरबीआई की लायबिलिटी है? हाँ है। बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई, बैंकों ने जो पैसा आरबीआई में डिपॉजिट किया, क्या आरबीआई को वापस देना है? हाँ है। अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, अभी आपने जो अदर डिपॉजिट देखा, क्या आरबीआई को वापस देना पड़ेगा? हाँ। तो ये तीनों चीजें क्या हुई बेटा? आरबीआई की लायबिलिटी, इसीलिए इसको लायबिलिटी अप्रोच कहा गया है। तो एसेट अप्रोच में क्या होगा? आरबीआई के एसेट, आरबीआई की लायबिलिटी रहती तो कुछ एसेट रहते कि नहीं रहते? हाँ रहते ना, लिखा है वहां पे। क्या होंगे आरबीआई के एसेट? आरबीआई के एसेट है पहला नेट आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई ने गवर्नमेंट को कुछ उधार दिया है, हाँ तो वो क्या हुए? आरबीआई के एसेट है कि नहीं है? हाँ है। आरबीआई क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर को पैसा दिया होगा कि नहीं आरबीआई ने उधार, तो वो भी इनका हुआ। आरबीआई क्लेम ऑन बैंक, आरबीआई को जो बैंकों से लेना है, रेपो रिवर्स रेपो दो चीज होती है, जब बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करती है तो बैंक आरबीआई से उधार भी तो लेती है, यस और नो? तो ऐसा भी हो सकता है। गवर्नमेंट्स करेंसी लायबिलिटी टू पब्लिक, ये क्या होता है भैया? हाँ, तो कि तो गवर्नमेंट करेंसी लायबिलिटी टू पब्लिक लिखा है, तो ये आरबीआई का एसेट कैसे हुआ ये मैं पूछ रहा हूं। नोट पे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, देना किसको है? गारंटी किसने लिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी लिया, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो गारंटी लेता है लायबिलिटी किसकी होती है? उसी की होती है। यानी आरबीआई को करना क्या है? प्रॉमिस आरबीआई कर रहा है, लेकिन अगर कल कुछ कम ज्यादा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना है और पब्लिक को देना है। आई बात समझ? सुनो तो सही, लायबिलिटी कैसे, ये आरबीआई की लायबिलिटी हुई कि एसेट हुआ? ये नोट जो आरबीआई ने बांटा ये आरबीआई की लायबिलिटी है, देखो आपने लायबिलिटी में लिखा था करेंसी इन सर्कुलेशन, लेकिन इसके बदले में आरबीआई के पास एसेट क्या है? वो नोट जो आरबीआई ने इशू किया उसके बदले में एसेट है ना? क्या एसेट है? गारंटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो गारंटी क्या होता है? गारंटी एसेट होता कि नहीं होता? अगर आरबीआई ने नहीं दिया तो आप किससे मांगोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आरबीआई को करना क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना है और आपको देना है। दैट मीन्स गवर्नमेंट की करेंसी लायबिलिटी टू पब्लिक, जो पब्लिक के पास नोट है पैसा है वो लायबिलिटी गवर्नमेंट की है। आरबीआई तो खाली एक सोर्स है, मीडियम है। आई बात समझ में? अरे हाँ कि ना, बैलेंस शीट बनाते तो जब लायबिलिटी लेते तो उसके अगेंस्ट में जो एसेट है वो भी लिखते कि नहीं लिखते? बस वही लिखा है। ये जस्ट समझ लो, ये आरबीआई का लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट का और ये एसेट साइड है, सिंपल। आरबीआई
किसको नहीं देते? क्या बोले, सिर्फ रिपीट करो। क्यों नहीं दे सकते? नाबार्ड को लोन दिया है आरबीआई ने। नाबार्ड क्या है? गवर्नमेंट है क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन में आप थे, मैंने बताया अभी था, जो सीआरआर आता है वो नाबार्ड को दिया जाता है फ्री में, ताकि नाबार्ड उसको एग्रीकल्चर में लगा सके। तो नाबार्ड को दिया ना पैसा आरबीआई ने, कौन देता? आरबीआई देता। सीआरआर किसके पास आता? आरबीआई के पास आता। क्यों नहीं दे सकते? इसी को तो कमर्शियल वर्ल्ड बोलते हैं। हाँ, आपके मेरे जैसे लोगों को नहीं देंगे तो हम ही होते क्या कमर्शियल वर्ल्ड में? और कोई नहीं हो सकता? हो सकता है बिल्कुल। और क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते। माइनस कुछ करना है। क्या माइनस करना है? आरबीआई नेट नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटीज। लेकिन ये किस में से माइनस करना है? ये इसमें से करो या पूरे जोड़ में से करो? अब ये क्या होता है बेटा, आरबीआई नेट नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटी? मॉनिटरी लाइबिलिटी समझता? तो नॉन मॉनिटरी क्या हुई? कोई और चीज, यानी पैसा ना देके कुछ और, कोई जवाबदारी बोलो या किसी और कोई पर्टिकुलर अमाउंट की जवाबदारी बोलो, या बोल सकते हैं इसके अंदर पैसे देने के अलावा और कोई चीज अगर देनी पड़े तो। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई बार यानी ये इसमें अंदर आज से काफी दिन, हाँ काफी दिन क्या, अभी बता, अभी का एग्जाम्पल है ये फार्मर्स के लोन वेव होते रहते हैं, फार्मर के लोन वेव होते हैं, ठीक है। अगर ये फार्मर के लोन वेव होते तो नुकसान किसका होता? क्यों? लोन तो बैंक ने दिया था सर, उत्ते के बॉन्ड्स गवर्नमेंट उनको दे देती है, क्योंकि लोन माफ कौन कर रहा? गवर्नमेंट माफ कर रही। अप्लाई कौन कर रहा? आरबीआई अप्लाई करने का काम करता है, और बैंक उसको अप्लाई करते हैं आरबीआई के डायरेक्शन पे। बैंक गवर्नमेंट की नहीं सुनते, बैंक आरबीआई की सुनते हैं। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो आरबीआई उसको अप्लाई करने का काम करता है बैंकों के चैनल के थ्रू। सिंपल। अब इसका मतलब क्या होता है? आरबीआई की ये बैंक किससे मांगेंगे पैसा? ये जो बॉन्ड्स है ये किससे मांगेंगे बैंक? आरबीआई से। और आरबीआई किससे मांगेंगी? इसीलिए लिखा है नेट। लेकिन ये पैसा आरबीआई को देना है क्या? नहीं। इसीलिए इसको नॉन मॉनिटरी लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि पैसा तो देना था लेकिन बदले में आरबीआई ने किया क्या? पैसा नहीं दिया, गवर्नमेंट के बेरर बॉन्ड्स दे दिए। वो बॉन्ड्स 10 साल बाद, 15 साल बाद कभी तो भी रिडीम होंगे। यानी हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, प्रॉब्लम को आगे ढकेलते जा रहे। फार्मर्स लोन वेव करना है, पैसे है क्या? नहीं है। तो एक काम करो, 5 साल के बॉन्ड दे दो, 5 साल बाद देखेंगे। और फिर से फार्मर पर लोन करना है, 10 साल के बॉन्ड्स दे दो। तो बैंकों की बैलेंस शीट तो क्लीन हो गई ना भैया, वो लायबिलिटी हटाने का बोला और उसके बदले में एसेट दे दिया, तो बैलेंस शीट क्लीन होंगी कि नहीं होंगी? हो गई। और बड़ा वाह, बैंकों ने प्रॉफिट कमाया। काय का प्रॉफिट कमाया भैया? प्रॉफिट कमाया और टैक्स भी दे दिया। ये पता है आप लोग कब समझोगे? अभी आप एक आध ग्रुप, दोनों ग्रुप पास कर लोगे, उसके बाद आप लोग आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे, और आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद जब अप्रैल मंथ में आप बैंक ऑडिट के लिए जाओगे ना, अभी आपका रिजल्ट कब आएगा? अभी आप लोग कब एग्जाम दोगे? नवंबर में। आप जनवरी में पास हो जाओगे, फिर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे। आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद आपको पहला ऑडिट, आपका बैंक ऑडिट मिलेगा, क्योंकि अप्रैल मंथ में बैंक ऑडिट रहते हैं। तब आप लोग देखोगे कि अपने बैंकों की हालत कितनी ज्यादा खराब, कितनी ज्यादा। एक नोटिफिकेशन आता है और बोलते हैं लायबिलिटी, मतलब इसको राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ मत करो। यानी ये जैसे एनपीए रहता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब उसको एनपीए मानना कि नहीं मानना, ये आरबीआई के डायरेक्शंस रहते हैं। जैसे 3 महीने हो गए इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही, तो उसको एनपीए मानना। अब फार्मर्स तो ज्यादातर एनपीए बिचारे, अब आरबीआई ने बोला इनको एनपीए नहीं मानना, तो बैंक मैनेजर एनपीए मानेगा क्या? नहीं मानेगा। और एज ए बीइंग ऑडिटर आपको सर्कुलर देखना पड़ेगा, वो आपको सर्कुलर दिखा देगा, आपको भी मानना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, आप रिपोर्ट में लिख दो आरबीआई का सर्कुलर, एज पर आरबीआई सर्कुलर। तो बैंक की बैलेंस शीट तो क्लीन हो गई ना, तो बस बैलेंस शीट क्लीन करते जा रहे और प्रॉब्लम को आगे ढकेलते जा रहे हैं। एक ना एक दिन तो फूटेगा कि नहीं फूटेगा? कब तक चलेगा ये? ठीक है ना, इसकी टोपी उसके सर कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो तकलीफ आएंगी ना। तो ऐसा चल रहा हमारे यहाँ पर, ठीक है। और आप लोगों ने वोट डाला बराबर बीजेपी को। हाँ, मेरी छोड़ो ना यार, आपने क्या किया ये तो बताओ। एक 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 चीज बताऊँ आपको,
भाषण देना अलग चीज होती है और काम करना अलग चीज होती है। दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो बोलते इतना अच्छा है कि बिल्कुल, आजकल ये मोटिवेटर्स चल रहे हैं ना बहुत ज्यादा, ये पैसे कमा रहे कि नहीं कमा रहे, जितने भी बाबा थे ये सब पैसे कमा रहे कि नहीं कमा रहे, क्यों कमा रहे, बोलना आता है भैया, बोलना आता है और बोलने के पैसे मिलते हैं। आजकल लोग मोटिवेशनल कोर्स करते हैं ताकि कुछ मोटिवेशन आ जाए। अरे भैया मुझे एक चीज बताओ, आप लोग पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते हैं, आपको सीए बनने के लिए जैसे मोटिवेशन मिल जाए इसलिए मोटिवेशनल लेक्चर्स ये सब देखते रहते हैं कि इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। मोटिवेटर्स करते क्या है, दूसरे लोगों का एग्जांपल्स देते हैं, ये देखो इसने ऐसा किया, रतन टाटा ने ऐसा किया, बिल गेट्स ने ऐसा किया, यही बोलते हैं और क्या बोलते हैं, और थोड़ी लैंग्वेज बहुत जोरदार रहती है। ठीक है, आपकी मम्मी आपको बचपन से ये चीज बोलती है, बेटा पढ़ाई कर, बोलती है शुद्ध हिंदी में, और मम्मी कभी कभी ये भी बोलती होंगी, देख बेटा उनका लड़का कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा, कितने मार्क्स लेके आ गया, तू तो पढ़ ही नहीं रहा, ये बोला भी होगा आपकी मम्मी ने, तब आप क्या बोलते हैं, आप इसका उसका काय को देखते रहते हैं, यस और नो। और अभी वो मोटिवेटर क्या कर रहा आपको, वो भी तो वही बोल रहा है, उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। अरे तुमने तो पढ़ाई करना चाहिए ना, वो दो घंटे मोटिवेशनल में ना जाके अगर चुपचाप पढ़ लेते तो शायद ज्यादा फायदा हो जाता। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का पैसे कमाने का तरीका है, कुछ दिन फ्री में दिखाएंगे, उसके बाद अपने कोर्स के बारे में बताएंगे और पैसे लेंगे, और कई बेवकूफ लोग हैं जो चले जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सबका अपना अपना नजरिया है भैया। आप सोचो ना, यही आपकी मम्मी ने बचपन में बोला था, बेटा वो देख लड़का कितने अच्छे मार्क्स लेके आया, और यही मोटिवेटर बोल रहा है, बस बोलने में फर्क है। वो बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, घर के डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, मम्मी जो बोल रही है तो घर के है, इनको क्या समझता, बाहर वाला हाँ ये सही बोल रहा है, मैं कुछ गलत बोल रहा, आप सोच के देखो, कॉमन सेंस से सोच के देखो। ठीक है, जाने तो जिसकी जैसी इच्छा। हाँ तो हम बात करते वापस इस पे आ जाते हैं। एम्पिरिकली M1, प्लीज ध्यान दो, M1 इज द नैरो मनी एंड डिफाइंड एज द सम ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक डिमांड डिपॉजिट, ये सब अभी जितना आया था वही लिखा हुआ है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विथ RBI, ऑफ करके फिर से विथ लिख दो, ये बार बार गलती हुई है। रिजर्व मनी इज कंप्राइज ऑफ द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कैश रिजर्व ऑफ बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स, ऑफ कार्ड के फिर से विथ लिखो। रिजर्व मनी और M1 में क्या फर्क है, रिजर्व मनी और M1 में क्या फर्क है बताओ। ये देखो, ये रिजर्व मनी है थोड़ी देर के लिए, इसमें और उसमें क्या फर्क है, ये एक सेकेंड, ये भी है, अरे M1 में ये है कि नहीं, ये देखो ना, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है, अदर डिपॉजिट्स विद RBI है, हा विथ है, ये इसमें नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, मतलब लोगों ने जो बैंक में डिपॉजिट किया, और इसमें क्या है, बैंक ने जो बैंकर्स बैंक में इन्वेस्ट किया है, डिपॉजिट किया लोगों ने, पहले इसमें क्या था, लोगों ने जो बैंक में जमा किया, मतलब बैंक को अगर मैं, तो मेरे पास जो लोगों ने जमा किया, और दूसरे में क्या, रिजर्व मनी में, मैंने जो बैंक के पास जमा किया, कौन सी बैंक, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक के पास, ये फर्क है। तो मुझे एक चीज बताओ, दोनों में से कौन सा अच्छा है, या कौन सा नैरो है कौन सा ब्रॉडर है, ब्रॉड कौन सा लग रहा है आपको, रिजर्व मनी ज्यादा ब्रॉड लगता है, नैरो यानी छोटा, ब्रॉड यानी बड़ा, मतलब यही होता ना, M1 नैरो है, रिजर्व मनी ब्रॉडर है, ब्रॉडर सेंस बताएगा। ठीक है, अब देखो कैसे आगे लिखा हुआ है, ऑन कंपैरिजन वी फाइंड दैट द डिफरेंस बिटवीन M1 एंड रिजर्व मनी इज दैट द फॉर्मर इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स व्हाइल द लेटर इंक्लूड द कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक। कैश रिजर्व कौन से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, CRR भी हो सकता है, फंड्स भी हो सकते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे वो भी हो सकते हैं। रिजर्व मनी आर कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक फॉर मेंटेनिंग कैश रिजर्व्स। इसका मतलब क्या, CRR आप कभी भी वापस ले सकते हो क्या, नहीं, लेकिन जो आपका डिमांड डिपॉजिट्स है वो कस्टमर कभी भी लेने वापस आ सकता है, दिन भर चलता रहता है, इसलिए उसको नैरो बोला गया है और इसको ब्रॉड बोला गया है। आगे और कुछ बोलता है, देखते हैं। रिजर्व मनी ऑल्सो नोन एज सेंट्रल बैंक मनी, बेस मनी और हाई पावर्ड मनी, ये तीनों नाम इस पैसे के और दिए गए हैं।
needs a special mention as it plays a crucial role in determination of total supply of money. क्योंकि reserve money determines the level of liquidity and price level in the economy. Reserve money होता क्या है? या तो RBI की liability या RBI का asset. दो approach है. हाँ कि ना, दो approach है. तो ये जो reserve money बैंकों ने CRR के form में आपके पास रखा है, ये आपकी liability, कभी ना कभी बैंक को वापस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा. That means सबसे ज़्यादा liquidity ये बताता है, और price level भी determine करने में कई बार हमारे काम आता है. And therefore its management is of crucial importance to stabilize the liquidity, growth and price level in the economy. आपने देखा था M1 सबसे liquid है, M4 least liquid है. वैसे यहाँ पे reserve money और उससे liquid है. सबसे लिक्विड हो गया आपका रिजर्व मनी. तो रिजर्व मनी कैसे निकालेंगे, ये आपको समझ में आया क्या? रिजर्व मनी कैसे निकालते हैं, रिजर्व मनी कैसे निकालेंगे, दिखा ये सब लायबिलिटी अप्रोच या एसेट अप्रोच. तो मैंने आपको ये डेटा दिया, एक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट रिजर्व मनी एंड नैरो मनी M1. तो कैसे निकालोगे? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक जोड़ते हैं क्या? हाँ. काय में सबसे पहले रिजर्व मनी निकालना है, समझ लीजिए. रिजर्व मनी कैसे निकालूंगा? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक जोड़ू क्या? हाँ बिल्कुल. कितना है? 7000. उसके बाद और क्या दिया है? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक जोड़ते क्या बेटा? नहीं, वो M1 में काम में आता. चलो ठीक है, लिखूं क्या साथ में M1 भी? चलो M1 में ये भी जोड़ते 7000. हाँ 7000 जोड़ते हैं. डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक जोड़ते हैं क्या M1 में? हाँ, लेकिन नेट डिमांड डिपॉजिट जोड़ते हैं. तो माइनस क्या करते हैं? इंटर बैंक कितना दिया है? 2000. तो 13 - 2 जोड़ू कितना? 11000. चलिए ठीक है. बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI किसमें जोड़ते हैं? बैंकों का डिपॉजिट RBI किसमें जोड़ते हैं? रिजर्व मनी में. कितना है? 10000. नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक किसमें जोड़ते हैं? M1 में जोड़ते क्या बेटा? टाइम डिपॉजिट, सिर्फ करंट और सेविंग यानी डिमांड जोड़ते M1. ये जबरदस्ती कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, जाने दो इसको. अदर डिपॉजिट्स ऑफ करके विथ कर दो. M1 में भी जोड़ते और उसमें भी जोड़ते, यानी 4000 रुपए दोनों में जोड़ा जाएगा. बताओ कितना होता? 7 और 4 = 11 = 10 = 21000. और ये कितना हो गया? 22000. हाँ कि ना? ठीक है. अब क्या आप M3 निकाल सकते हो? पूछा नहीं है लेकिन निकाल सकते क्या? व्हाट इज M3? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, यानी कितना हुआ? M1 कितना है? 22000. नेट टाइम डिपॉजिट कितना दिया है? 28000. आता आंसर? हाँ 50000. अब ये निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी मत करना, ये तो आपके नॉलेज के लिए. क्लियर है क्या? अब एक काम करो, मेरे बोलने पे इलुस्ट्रेशन 3 बिना देखे कर लो और आंसर बता दो. बस ये सबसे ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है, इससे ऊंचे लेवल का क्वेश्चन नहीं आ सकता, चांस ही नहीं है. ये कर लो और उसके बाद हम NM1, NM2, NM3 देखेंगे. थोड़ा सा कॉमन सेंस से करना है. वो जहां जहां अदर डिपॉजिट ऑफ लिखा है ना, उसको विथ कर देना बेटा. ये प्रिंटर टाइपिस्ट ने ठीक किया ही नहीं. रिजर्व मनी यानी रिजर्व मनी और नैरो मनी यानी M1 हमेशा ध्यान में रखना. बताओ क्या आंसर आया? बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI. आपको दो चीज पूछी है, एक है बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI और दूसरा आपको क्या पूछा है? नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक. बोलो एक आंसर क्या आया? 21000 आया. और बी? क्या बात, वाह, देख के निकाले क्या? सच्ची जमा? सर सिंपल क्वेश्चन है, रिजर्व मनी हमको दिया हुआ है 36000 प्लस नैरो मनी दिया है 42000, ये 36000 है. और ये नैरो मनी यानी M1 दिया है, M1 कितना दिया हुआ है? 42000.
इसको M1 बोलते हैं, ठीक है। आगे हमको लिखा है टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, हमको दिया है 15,000। टोटल डिपॉजिट्स इन सर्कुलेशन प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई 15,000 दिया है। इसके अंदर अगर कुछ प्लस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, हा कि ना। ये आपका बन गया फॉर्मूला किस चीज का, रिजर्व मनी का। तो इसमें से 15,000 इधर कर दो तो बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई कितना आएगा, 21,000। वैसे ही ये भी रिवर्स कैलकुलेशन है, M1 दिया हुआ है और अगेन टोटल दी हुई है वही 15,000। तो इससे क्या निकलता है दोस्तों, नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, यही फॉर्मूला है इसका। हाँ, इसमें से 15 हटा दो तो आंसर क्या आएगा, 27,000। आसान है कि नहीं है, थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं।